स्टूडेंट्स देखिए आज हमारे पास है सेकंड चैप्टर चैप्टर का नाम है लीवरेज चैप्टर नंबर टू चैप्टर जीरो टू लीवरेज बहुत ही आसान चैप्टर और फाइव टू टेन मार्क्स आपको मिलेंगे चुटकियों में देखिएगा बहुत ही सिंपल चैप्टर है हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आता है और मतलब इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते बहुत ही ज्यादा सिंपल लीवरेज चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या देखेंगे देखो हमारे पास दो तरीके के खर्चे होते हैं एक होते हैं वेरिएबल एक होते हैं फिक्स तो जो वेरिएबल खर्चे होते हैं उनकी हमें इतनी टेंशन नहीं होती रीजन वो तभी इनकर होते हैं जब आपके पास एक्टिविटी कुछ हो रही होगी लाइक like, मुझे बताइए मेरी पेन ड्राइव का खर्चा आता है मेरे लिए आ, अगर मैं किसी बच्चे को कॉरियर करता हूँ तो कोरियर का खर्चा आता है लेकिन वो बताइए उसकी मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं किसी बच्चे को पेन ड्राइव कोरियर तभी तो करूंगा जब मेरे पास उससे फीस आ रही होगी तो कभी भी वेरिएबल खर्चे की किसी को टेंशन नहीं होती फिक्स खर्चे की टेंशन होती है जैसे कि मान लो मेरी पेन ड्राइव बिके या ना बिके लेकिन स्टाफ को सैलरी तो देनी है अब कोविड नाइन्टीन में लॉकडाउन में सैलरियाँ बटी सैलरियाँ देनी पड़ी जबकि काम नहीं हो रहे थे तो फिक्स खर्चा जो होता है वो आपके लिए एक बर्डन होता है अब फिक्स खर्चा भी दो तरीके का है एक तो बिजनेस का फिक्स खर्चा है जैसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं दूसरा हमारे पास फिक्स खर्चा है फाइनेंस से रिलेटेड आपने लोन पर अगर पैसा मंगवाया है कैपिटल इंट्रोडक्शन जो आपका हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड उसके अंदर अगर आपका डिवेंचर से पैसा है अगर आपका प्रीफरेंस शेयर से पैसा है तो बच्चों आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्रीफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है जो फिक्स है तो वो भी बर्डन है अब मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड पे आर आए या ना आए लेकिन इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा शेयर्स को डिविडेंड तो देना पड़ेगा इक्विटी की टेंशन नहीं है कमाई होगी तो देंगे नहीं होगी तो नहीं देंगे तो लीवरेज चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमारे ऊपर बर्डन कितना है दूसरा किसी एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था लीवर लीवर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कम ताकत लगाकर ज्यादा भारी सामान को हम उठा सकते थे तो लीवर के बारे में हम लोग ये बचपन में पढ़ते थे साइंस में लीवर का मतलब होता है दो चीजों का रिलेशन एक चीज के चेंज होने से या एक पे कोई इंपैक्ट आने से दूसरे पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो देखा जाता है तो लीवर में हम पढ़ते थे कम ताकत लगाकर ज्यादा वजन की चीज हम उठा पाते थे जबकि सीधे सीधे उठाएं तो नहीं उठ पाएगी सेम ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक फाइनेंशियल आइटम बदलता है तो उसके बदलने से दूसरे फाइनेंशियल आइटम पर कितना फर्क कितना इंपैक्ट पड़ेगा तो लीवरेज यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं एक हमें देखना है कि जो हमारे ऊपर बर्डन है वो किसके ऊपर ज्यादा है किसके ऊपर कम है क्या वो बर्डन हमें परेशान कर रहे हैं क्या उन बर्डन से हम कुछ फायदा उठा सकते हैं बर्डन लेना अच्छी बात है या बुरी बात है और एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो बहुत ही सिंपल सोवर सा चैप्टर है बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये मानिए कि इस चैप्टर के करते के साथ एग्जाम में फाइव या फिर टेन मार्क्स आपके कंफर्म है हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ही सिंपल सोवर सा चैप्टर है आ जाइए पहले हम लोग लिखते हैं आखिर लीवरेज का मतलब क्या होता है लीवरेज क्या होती है लीवरेज टेक्निक लीवरेज टेक्निक लीवरेज इज द टेक्निक विच इज यूज बाई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू evaluate risk associated with any business organization okay लीवरेज यहां पर एक रेशो की तरह से काम करेगा जो लीवरेज का जनरल मीनिंग है वो होता है एक रेशो एक चीज पर कुछ इफेक्ट आने से दूसरी चीज पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो ये बताता है यहां पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये बात देखेंगे कि एक फाइनेंशियल आइटम से दूसरे फाइनेंशियल आइटम पर कितना फर्क पड़ेगा द टर्म लीवरेज इन जनरल जनरली जो इसका मतलब है लीवरेज का वो है रेशो बताता है ये रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड आइटम्स तो वैसे जो लीवरेज है वो दो आइटम का रिलेशन बताता है कि अगर आप इतनी एनर्जी लगाएंगे तो इतना वर्कआउट निकल कर आएगा इस तरीके की बात बताता है यहां पर इन फाइनेंशियल एनालिसिस इट रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरियबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल यहां पर हम देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस में कि एक फाइनेंशियल आइटम का दूसरे फाइनेंशियल आइटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या क्या वो हो सकते हैं फाइनेंशियल आइटम जैसे सेल का कंट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी पर ये सब चीजें हो सकती हैं डीज फाइनेंशियल वेरिएबल में बी कॉस्ट प्रोडक्शन या फिर आउटपुट कलेक्शन सेल्स ईबीआईटी ईबीटी कंट्रीब्यूशन ईपीएस एटसेक्ट्रा इस तरीके से कोई भी आइटम हो सकता है तो हमें फाइनेंस रिलेटेड रेशोज की यहाँ पर बात करनी होगी हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज को समझने से पहले तीन तरीके की लीवरेज है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड पहले हम एक बार देखते हैं कि आखिर ये लीवरेज किस चीज को इवेल्युएट करने वाली है पीछे क्या छुपा हुआ है और किस तरह से चीजों को कनेक्ट करेगा हमारे पास है पॉइंट नंबर टू देखिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट हमारे पास है एक है वेरिएबल कॉस्ट एक है फिक्स्ड कॉस्ट सेमी वेरिएबल को यहां कंसीडर नहीं किया गया यह माना गया है सेमी वेरिएबल का वेरिएबल वाला हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट में और उसका फिक्स वाला हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट में यानी दो तरीके की कॉस्ट हमारे पास रहेगी वेरिएबल और फिक्स बताइए इट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्टिविटी लेवल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्टिविटी के साथ बढ़ती और कम होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन तो मान लीजिए हमारी सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी सेल कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी ओके इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इनरेस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल ये कांस्टेंट रहती है फिक्स रहती है इसका एक्टिविटी लेवल से कोई लेना देना नहीं यानी मेरी सेल हो या ना हो मेरे को किराया देना पड़ेगा मुझे सैलरी देनी पड़ेगी देयर इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ जीरो एक्टिविटी अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बताइए इट इनकर्स इवन इफ देयर इज नो एक्टिविटी आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट खर्च जरूर होगी ओके बताइए क्या मेरे को कभी ये डर लगता होगा कि हे भगवान वेरिएबल कॉस्ट कहां से निकलेगी हे भगवान मैं वेरिएबल खर्चों को कैसे निकाल पाऊंगा देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार आप लोग लिखना मत ये चीज आप लोग ये चीज मत लिखना जैसे हम एक पेन ड्राइव बेचते हैं मान लो अब देखिए इसमें हमारे क्या क्या खर्चे आ जाते हैं ड्राइव का खर्चा आ जाता है जीबी के हिसाब से एक एवरेज आइडिया ले लेते ले 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 हैं पांच सौ रुपए ठीक है कोरियर वाला ले लेता है हमसे दो सौ से चार सौ पांच सौ आठ सौ कितने भी चले जाते हैं तो एवरेज एक पांच सौ रुपए ठीक है तो कोरियर वाला पैसे ले गया पेनड्राइव के पैसे चले गए इंक्रिप्शन होता है इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन में क्या होता है पेनड्राइव में ना कुछ पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं वो चला जाता है एक हजार रुपए इसके अलावा हमारे पास जो एडिटर होता है वो फिक्स होता है और और पेनड्राइव के कुछ खर्चे हैं हम ये मान लेते हैं वेरिएबल आइटम है बुक्स और जोड़ देता हूँ इसमें एक एवरेज बुक्स लग जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड ठीक है 2000, तो ये हमारे पास चार खर्चे हो गए वेरिएबल अब जरा देखिए तीन और चार चार हजार रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो गई ओके अब मान लीजिए ड्राइव की जो हम सेल करते हैं वो सेल है या, पर यूनिट टेन थाउजेंड पर यूनिट ठीक है अब आप बताइए ये जो पेन ड्राइव का कोरियर का इंक्रिप्शन का बुक्स का खर्चा है ये इस बात का मेरे को डर लगता होगा ये कहाँ से निकलेगा बिल्कुल नहीं लगता रीजन हमारी वेबसाइट पे पेन ड्राइव बुक होगी पेमेंट आएगी और ये सब खर्चे उसमें से निकल जाएंगे अगर कोई सेल नहीं होगी तो इनमें से कुछ खर्चा भी नहीं होगा अच्छा कई जगह पर पे प्री पेमेंट होती है जैसे कोचिंग में कई जगह पे आफ्टर पेमेंट होती है यानी प्रोडक्ट बनने के बाद तो प्रोडक्ट बनने के बाद हो या पहले हो वेरिएबल कॉस्ट सेल होने पर निकल जाएगी इसका हमें कोई खतरा नहीं है आप जानते हैं मैं मैं क्या चाहता हूं? मैं तो चाहता हूं हूं तो ये कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी भी हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैं बताऊं मैं तो चाहता हूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट फोर थाउजेंड करोड़ हो जाए मैं चाहता हूं फोर थाउजेंड करोड़ हो जाए जी मेरी वेरिएबल कॉस्ट मैं तो चाहता हूं बढ़ जाए आपको पता है रीजन क्योंकि अगर ये फोर थाउजेंड करोड़ है तो ये तब है जब ये कलेक्शन करोड़ हो जाएगा। तो जितनी भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और वो सपने कैसे आते हैं वो सपने ऐसे आते हैं कि हे hey भगवान इस महीने जो किराया देना है दे पाऊंगा ऑफिस का या नहीं जो ई देनी है दे पाऊंगा या नहीं बिजनेस के खर्चों की बात करता हूँ किराया दे पाऊंगा या नहीं रेंट देना है सैलरी देनी है स्टाफ की

कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए अब बताइए पेन ड्राइव पे सिक्स थाउजेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है दो लाख रुपए पर मंथ खर्चे हैं तो बताइए कितनी पेन ड्राइव बेचनी पड़ेंगी ये देखिए टू लाख डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो अगर मेरी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री पेन ड्राइव बिकती है तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आऊंगा उसके बाद में तो कुछ प्रॉफिट की बात होगी तब तक मैं प्रॉफिट में भी नहीं हूं और अगर 33.3 से कम भी तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा इन शॉर्ट थर्टी भी बिकेंगी तो भी मैं नुकसान में चला जाऊंगा क्योंकि थर्टी पर भी सिक्स थाउजेंड मेरे को वन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड का ही कलेक्शन आ पाएगा और मेरे खर्चे दो लाख हैं तो मैं तो नुकसान में चला गया तो अब मुझे बताइए फिकर किस चीज की है टेंशन किस चीज की है किस चीज का निकलना टेंशन का कारण बनता होगा आंसर एज टेंशन का कारण बनता है फिक्स्ड कॉस्ट का निकलना या ना निकलना वेरिएबल कॉस्ट की कोई टेंशन नहीं है लिखिएगा देयर एज नो रिस्क एसोसिएटेड विद वेरिएबल कॉस्ट ठीक है अब जरा बताइए यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ रिस्क है देयर रिस्क एसोसिएशन विद फिक्स्ड कॉस्ट रिस्क किस बात का चांसेज ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट वेदर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी रिकवर्ड और नॉट तो रिस्क है चांसेज ऑफ नॉन रिकवरी इस बात का डर है कि शायद फिक्स खर्चा नहीं निकल पाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट एक रिस्की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं है ओके अब जरा देखिए थर्ड फिक्स्ड कॉस्ट एक रिस्की कॉस्ट है इसमें डर लगा रहता है कि पता नहीं ये निकलेगी या नहीं निकलेगी इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन फाइनेंशियल है Fixed cost related to funds or finance. Example Salary of Staff Rent of Premises, etc. Example इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रिफ्रेंशियल डिविडेंड यहां दो ही आइटम है फाइनेंशियल रिस्क में फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में दो ही आइटम है ओके okay. अब रिस्क हमारे पास इसी बेसिस पर हमारे पास रिस्क है ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है नीचे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल में इसको बांटा गया है अब इस बात का डर के ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट निकल पाएगी या नहीं चांसेज ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये रिस्क हमारे पास कवर होता है ऑपरेटिंग रिवरेज में इसे बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं फाइनेंशियल या फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क यानी कि क्या हम लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट दे पाएंगे या नहीं या हम प्रिफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे पाएंगे या नहीं ये रिस्क हमारा कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल ओवरऑल रिस्क या फिर कंबाइंड रिस्क आ जाइए फोर्थ टोटल और कंबाइंड रिस्क यहां पर रिस्क का मतलब चांसेज ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट तो इसे दो पार्ट में बांटा गया फर्स्ट इज ऑपरेटिंग रिस्क इसे बिजनेस रिस्क भी बोला गया कि आप बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहे हो या नहीं क्योंकि बिजनेस के खर्चे निकाल पा रहे हो या नहीं और यहां पर फाइनेंशियल रिस्क ओके चांसेज ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट या बिजनेस रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट और यहां पर चांसेज ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ये हमारे पास सारे रिस्क हैं इन रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास टेक्निक है और वो टेक्निक है लीवरेज लीवरेज के अंदर तीन टेक्निक हमारे पास मिलेंगी एक का नाम है ऑपरेटिंग लीवरेज वो ऑपरेटिंग रिस्क को इवेल्युएट करेगी दूसरी है फाइनेंशियल लीवरेज और तीसरी है कंबाइंड लीवरेज फोर्थ फिफ्थ देखिए लीवरेज टेक्निक एज क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज इसे ओएल के नाम से बुलाते हैं कई लोग इसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बोलते हैं डी ओ एल डिग्री का मतलब कितने लेवल का रिस्क है डिग्री यानी कितना लेवल पर रिस्क है सेकंड, फाइनेंशियल लीवरेज एफ एल और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बेसिकली ये सारे के सारे रेशों हैं और थर्ड एज कंबाइंड लिवरेज सी एल और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज डी सी एल अब हमें वन बाई वन ये लिवरेज सीखनी है सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज सीखेंगे फिर फाइनेंशियल फिर कंबाइंड पहली वाली लिवरेज पे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा आप पहली वाली जैसी सीख जाएंगे आपको बाकी दोनों भी समझ में आ जाएंगी। ध्यान रखना है कि लीवरेज बताती क्या है। लीवरेज एक तो बताती है कि आखिर बिजनेस में रिस्क कितना इन्वॉल्व है दूसरा लीवरेज एक रेशियो क्रिएट करती है रिलेशनशिप बताएगी दो फाइनेंशियल वेरिएबल के तो दो चीजें ये ये बताएगी एक तो उससे पता चलेगा रिस्क किस कंपनी के ऊपर ज्यादा है दूसरा दो चीजों को रिलेट करेगी और उनके बीच में रिलेशन बताएगी कि एक चीज पर इंपैक्ट पड़ेगा तो दूसरी चीज पर इंपैक्ट कितना पड़ेगा एक फाइनेंशियल वेरिएबल पर इंपैक्ट पड़ेगा तो दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पर उसका कितना इंपेक्ट पड़ेगा देखेगा सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज तो मैं कंसेप्ट नंबर सेवन है लेकिन पॉइंट नंबर वन है ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज या फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एक ही बात है हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज बोला करेंगे आगे से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज It is the technique of risk analysis which is used to evaluate or measure business risk associated. एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो लीवरेज टेक्निक है जो किसी भी बिजनेस के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको इवेल्युएट करता है अब मैंने बताया था कि दो चीजें करेगा ये एक तो रिस्क बताएगा किसके ऊपर कितना है दूसरा दो चीजों को रिलेट करेगा अब जो मैं लाइन लिखने वाला हूं ना वो मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है तो इसको हम अभी एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल के बाद आके फिर से देखेंगे तो अब जो मैं लाइन लिखने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा पेनफुल लग सकती है तो अभी आप इसमें परेशान मत होना ऑपरेटिंग लीवरेज इंडिकेट्स परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यू टू गिविन परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो हमारे पास ये बताएगा कि कितनी परसेंटेज ईबीआईटी की बदलेगी इट इंडिकेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अकरिंग ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स सेल्स में चेंज होने की वजह से तो ये सेल और ईबीआईटी का रिलेशनशिप बताता है एग्जाम्पल से ऑपरेटिंग लीवरेज एज थ्री टाइम्स मान लो ऑपरेटिंग लिवरेज थ्री टाइम्स है इट इंडिकेट्स वन परसेंट चेंज In sales would result in three percent change in EBIT. अगर operating leverage थ्री आ गया कैसे निकलेगा देखा जाएगा तो EBIT में तीन परसेंट चेंज होगा यानी सेल का एक परसेंट EBIT पर थ्री टाइम्स इंपैक्ट डालेगा ओके बात समझ में आएगी एग्जाम्पल से यहां हम इसके फॉर्मूला की जगह छोड़ते हैं फर्स्ट ओएल इक्व टू एक न्यूमरेटर आएगा एक डिनोमिनेटर आएगा सेकेंड ओएल इक्व टू एक न्यूमरेटर आएगा एक डिनोमिनेटर आएगा थर्ड ओएल इक्व टू यहाँ कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा फोर्थ ओएल इक्व टू एक न्यूमरेटर आएगा एक डिनोमिनेटर आएगा ठीक है ये चार फॉर्मूले हमारे पास मार्केट में फेमस चलते हैं ओके एग्जाम्पल फॉर्मूले आप लोग खुद बनाएंगे आप लोग को इतना एक्सपर्ट किया जाएगा कि आप लोग फॉर्मूले बना सकते हैं अच्छा जी अब हमारे पास में एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरीके से चीजें वर्कआउट करेंगी आ जाइए यहां पर लिखेगा एग्जिस्टिंग और यहां लिखेगा या रिवाइड रिवाइड ठीक है आ जाए सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट ये जो फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर माइनस होती है ये बेसिकली ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है दूसरी बात अगर एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट फाइव थाउजेंड है प्रीफरेंस डिविडेंड टेन थाउजेंड है अब बताइए इंटरेस्ट फाइव थाउजेंड है प्रीफरेंस डिविडेंड टेन थाउजेंड है ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं आंसर इज फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं तो कभी ना क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है बल्कि पता है क्वेश्चन में क्या लिखा होगा इंटरेस्ट इतना है प्रीफरेंस डिविडेंड इतना है तो जो भी इंटरेस्ट लिखा हो जो भी प्रीफरेंस डिविडेंड लिखा हो यानी वो फाइनेंशियल

तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करी जा रही है यानी क्वेश्चन में कभी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ नहीं मिलता हमें पहचानना होता है इंटरेस्ट पीडी फाइनेंशियल और सिंपली फिक्स्ड कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग ओके तो यहां पर हमारे पास आ गया ऊपर वापस फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में हमारे पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब सेल में ले लेता हूं टेन लेख वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट सिक्स लेख कॉन्ट्रीब्यूशन फोर लेख फिक्स्ड कॉस्ट मान लेता हूं टू लेख और मेरे पास यहां पर ईबीआईटी आ गया टू लैख ओके इसे नोट कर लीजिए आप लोग फिर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा देखिए फिक्स्ड कॉस्ट यानी बर्डन मुझे एक बात बताइए जो मेरा मंथली फिक्स खर्चा है वो दो लाख रुपए है और एक और कोई बंदा है जिसका मंथली फिक्स खर्चा बीस लाख रुपए है बताइए बर्डन किसके ऊपर ज्यादा है बर्डन किसके ऊपर ज्यादा है मेरे ऊपर या फिर दूसरे के ऊपर तो आप कहेंगे इसके ऊपर बर्डन ज्यादा है ओके okay. ये हैं नमिसर और ये हैं अंबानी जी बताइए अंबानी जी की बात हो रही है तो मुझे बताइए अब बर्डन किसके ऊपर ज्यादा है क्या अंबानी जी को 20 लाख रुपए बहुत भारी पड़ते होंगे या फिर मेरे को दो लाख रुपए ज्यादा भारी पड़ते होंगे आंसर ही, मेरे लिए दो लाख जितने मैटर करते हैं उनके लिए बीस लाख उतने मैटर नहीं करते यानी अमाउंट इज नॉट द क्राइटेरिया टू इवेल्यूएट रिस्क और बर्डन अमाउंट किसी के ऊपर बर्डन निकालने का किसी भी तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्राइटेरिया होता है सामने वाले की इनकम कितनी है और उसके ऊपर बर्डन कितना है अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास इनकम के अंदर मैं सेल से इसका रेशो निकालू सेल से फिक्स्ड कॉस्ट का कि मेरा ट्वेंटी परसेंट हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट ले जाती है अब मान लीजिए यही फिक्स्ड कॉस्ट अगर थ्री लैख ,00 होती तो मैं कहता मेरा थर्टी परसेंट हिस्सा यहाँ पर ले गए अब मैं सामने एक और सेल लिखता हूँ आपके सेल ट्वेंटी लैख ,00 और फिक्स्ड कॉस्ट थ्री लैख ,00 ये ब्लैक से जो लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिख रहा अब मुझे बताइए किसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है थ्री की जगह मैं कर देता हूँ इसको बल्कि फाइव लैख अब बताओ मेरे ऊपर कितना बर्डन ट्वेंटी परसेंट सामने वाले पर कितना बर्डन ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसका मतलब सामने वाले के ऊपर बर्डन ज्यादा है लेकिन ऐसा नहीं होता हो सकता है सामने वाले की वेरिएबल नहीं थर्टी फाइव परसेंट हो और इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट अभी सात लाख इसके पास तेरह लाख रुपए थे अब बताइए तेरह लाख रुपए में से पांच लाख दिए यहां फोर लाख में से टू लाख दिए यहां तो मेरी आधी कमाई चली गई और यहां इसकी तेरह लाख में से पांच लाख रुपए आधी कमाई से कम गई है तो मेरी आधी कमाई चली गई फिक्स कॉस्ट में दूसरे वाले की तो आधी कमाई नहीं गई इसका मतलब सेल से रेशो निकालना ठीक नहीं है तो हम लोग सेल से रेशो नहीं निकालेंगे हम लोग इसको लिंक करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन से यानी फिक्स्ड कॉस्ट से जस्ट ऊपर वाली कमाई आपकी कितनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट से जस्ट ऊपर वाली कमाई से कंपेयर किया जाएगा अब जरा देखिए इसके भी कुछ तरीके हैं एक तरीका क्या है कि मैं ये कंपेयर करूं कि मेरा 50 परसेंट खर्च हो गया और 50 परसेंट मेरे पास है और ये जरा 5 बाय 13 इस भाई का 38.46 परसेंट इसके पास है ठीक है अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा है इसके ऊपर कम है क्लियर है ये रेशो बनाया जा सकता था इन्होंने क्या रेशो बनाया जब बनाया गया डिजाइन जब बना तो इन्होंने रेशो इस तरह से निकाला ऐसे रेशो ना निकाल कर ये बोले कि हम अपने पास जो कमाई आने वाली है उसको वन मानेंगे ठीक है अब हमें क्या करना है ये ये देखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है तो जरा देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपके पास ये भी वन हो गई टू लैख टू लैख उससे ऊपर कमाई कितनी है टू तो इन्होंने कहा कि हम ये मानेंगे कि एक रुपया अगर हमें अपने घर पर लेकर जाना है तो हमें रुपीज की मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें वन रुपी घर लेकर जाना है तो टू रुपीज के एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस तू में से हाफ यानी वन चला जाएगा किसके पास फिक्स्ड कॉस्ट के पास आप समझ रहे रेशो कैसे निकाला अब यहां देखते हैं अगर वन रुपी घर लेके जाना है तो बताओ मेहनत कितनी करनी पड़ेगी थर्टीन डिवाइडेड बाई एट वन पॉइंट सिक्स टू फाइव तो बताइए मेरे को एक एक रुपया घर ले जाना है तो दो रुपए की मेहनत करनी है दूसरे वाले को एक रुपया घर ले जाना है तो वन पॉइंट सिक्स टू फाइव की मेहनत करनी है यही था लीवर में लीवर में क्या होता था कि आपको जितना आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको मेहनत कितनी करनी है फोर्स कितनी लगानी है एनर्जी कितनी लगानी है तो इस बेसिस पर रेशियो बनाया गया इसीलिए इसका नाम लीवरेज रखा गया क्योंकि वो लीवर से मिलता जुलता कनेक्शन है तो हम यहां पर यह देखेंगे कि एक तरीका क्या था कमाई में से कितना खर्च हुआ और दूसरा है जो घर लेके जा रहे हैं उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी तो इसको टू टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी इसको वन पॉइंट सिक्स टू फाइव टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी ओके मुझे बताइए अगर फिक्स्ड कॉस्ट ना हो तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट ना हो तो मान लीजिए थर्टीन लैख है कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है यानी कोई बर्डन नहीं है थर्टीन लैख आपके पास आ गया यानी आपको एक रुपया घर ले जाना है तो मेहनत भी सिर्फ रुपए की करनी पड़ेगी तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है बर्डन कब होगा जब आपको एक रुपया ले जाने के लिए मेहनत एक रुपए से ज्यादा करनी पड़े जितना ज्यादा आपके ऊपर बर्डन होगा यह रेशो भी उतना ही ज्यादा होगा जैसे मान लीजिए थर्टीन लैख में से अगर मैं खर्च कर दू टेन लैखन लैख फिक्स कॉस्ट है बचे थ्री लैख अब जरा देखिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है जैसे जैसे मैं फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेहनत बढ़ती जाएगी अब एक रुपया घर पे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है थर्टीन लैक डिवाइड बाई थ्री फोर पॉइंट तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जितनी बढ़ती जाएगी आपका रेशो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा इंप्रूव कैसे होगा ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है आपका डिनोमिनेटर उतना छोटा होता चला जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में है फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगी डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होता चला जाएगा जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा रेशो उतना ज्यादा होगा और अगर लॉजिक के बेसिस पर देखें बर्डन वाले सेंस में तो हमारे पास जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट खर्च करोगे जैसे मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है ट्वेल्व लैख तो पर बचा वन लैख अब बताओ मेहनत कितनी करनी पड़ेगी मेहनत थर्टीन टाइम्स आपको करनी पड़ेगी तो एक रुपया घर पर ले जाने के लिए तेरह रुपए की मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस तरह से हम यहां पर बर्डन को निकालेंगे कि किसके ऊपर कितना बर्डन है या किसके ऊपर कितना रिस्क है तो इसका जो हमारे पास रेशो बना बच्चों वो क्या बना देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू ऊपर रखिए कंट्रीब्यूशन बर्डन से पहले वाली कमाई डिवाइडेड बाई रखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आप घर लेके जाओगे तो फोर लेख का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टू लेख इक्व टू टू वन या टू टाइम्स तो आपको एक रुपया घर ले जाना है तो टू टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी आप इसको टू हंड्रेड परसेंट भी लिख सकते हो टू इज टू वन भी लिख सकते हो टू टाइम्स भी लिख सकते हो सारी चीजें अलाउड हैं रेशो को आप कैसे भी लिख सकते हो तो टू टाइम्स टू इच टू वन टू हंड्रेड परसेंट कैसे भी लिख सकते हैं हम ये टाइम्स वाला लेके चलेंगे ये आसान होता है आप सिर्फ टू लिख कर भी छोड़ सकते हो सिर्फ टू उस पर भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं एग्जाम में ओके तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला नंबर वन अब हमने ऊपर जगह छोड़ी थी आ जाइए यहां पर लिखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया ओके okay. अब जरा देखिए एक ना हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का रिलेशनशिप लिखा था आ जाइएगा ऑपरेटिंग लीवरेज टू इंडिकेट्स वन परसेंट चेंज इन सेल्स वुड रिजल्ट इन टू परसेंट चेंज इन ईबीआईटी विल रिजल्ट इन भी लिख सकते हैं तो टू क्या दिखाता है कि अगर सेल में एक परसेंट चेंज होगा तो EBIT में दो परसेंट चेंज होगा ये रिलेशनशिप इन दोनों की बताता है तो बर्डन निकालने का तरीका क्या है बर्डन निकालने का तरीका है कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT को कंपेयर कर लीजिए रेशो निकाल लीजिए रिलेशनशिप किसकी बताई गई रिलेशनशिप की बात की जाए तो सेल से EBIT पर क्या फर्क पड़ेगा उसके बीच की ये रिलेशनशिप आपको बताया करेगा ठीक है रिलेशनशिप अभी हम चेक करते हैं आप लोग अपने मन में कोई बात सोच लीजिए कि हम सेल को इतने परसेंट बढ़ाएंगे फॉर एग्जाम्पल इफ वी इंक्रीज सेल्स by 25% फाइव परसेंट देन परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT equals to percentage increase परसेंटेज in sales इन सेल्स OL. इसे हम दिखाते हैं इस तरह से चेंज इन ई बी आई टी इक्वस टू चेंज इन सेल्स परसेंटेज में मल्टीप्लाई वाई ऑपरेटिंग लीवरेज यानी परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी टू सेल कितने परसेंट चेंज हुई है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है टू तो इफेक्ट दुगना पड़ेगा यानी सेल पर एक परसेंट है तो ईबीआईटी पर दो परसेंट पड़ेगा अब बताइए सेल पर पच्चीस परसेंट फर्क पड़ेगा तो ईबीआईटी पे उससे दो गुना फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज टू है अगर ऑपरेटिंग लीवरेज थ्री होती तो सेल पर एक परसेंट तो ईबीआईटी पर थ्री परसेंट चेंज आ जाता तो ये हमारे पास फिफ्टी परसेंट का फर्क पढ़ना चाहिए तो ईबीआईटी पर फिफ्टी परसेंट का चेंज आना चाहिए ओके यहां से ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला और बनता है वो कैसे बनता है देखे? हमने क्या लिखा यहां पर देखिए हमने क्या किया चेंज इन ईबीआईटी इक्व टू चेंज इन सेल्स इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज अब ऑयल का यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है ओएल का फॉर्मूला बनता है यहां सेल को सामने ले जाकर डिवाइड कर देंगे ओएल इक्व टू चेंज इन ई बी आई टी बाई चेंज इन सेल्स ये दोनों परसेंटेज में होनी चाहिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स ओके नोट बताइए ये रेशो जितना ज्यादा होगा ये रेशो जितना ज्यादा होगा आपके ऊपर बर्डन भी उतना ही ज्यादा होगा रीजन रेशो ज्यादा कब होगा रेशो ज्यादा तब होगा फोर लेख डिवाइडेड बाई इससे करना है यह रेशो तब ज्यादा होगा जब मैं इसको बढ़ा दूं तीन लाख रुपए कर दूं बर्डन बढ़ गया अब यह बचा एक लाख डिवाइड बाई वन फोर टाइम्स हो गया अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर दूं एक लाख रुपए कर दूं वन लैख कर दूं तो ये थ्री हो गया थ्री तो ये आ गया वन पॉइंट थ्री बार अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को जीरो कर दू जीरो तो ये भी फोर लैक हो गया फोर लैक डिवाइड बाई फोर लैख तो आंसर आ गया वन यानी एक रुपए के लिए एक रुपए के बराबर ही मेहनत करनी होगी तो लीवरेज का जो सिद्धांत है जो प्रिंसिपल है वो है हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज

अब इसके अंदर नोट वन नोट टू ऑपरेटिंग लीवरेज वन मीन्स देयर इट नो फिक्स्ड कॉस्ट एंड नो ऑपरेटिंग रिस्क जब ओएल की बात हो रही है तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी ऑपरेटिंग अगर ऑपरेटिंग लीवरेज वन है इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है. ओके, अब ये सारी चीजें हमने लिखी हैं अभी मैंने आपको ऊपर जगह छुड़वाई है इसी को समझाने के लिए आप लोग एक बार रुक के देख भी सकते हैं मेरे को पहुंच करके आ जाइए अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर मैं सेल को बढ़ाने वाला हूं जैसा हमने लिखा था प्लस ट्वेंटी सेल को अगर मैं 25 परसेंट बढ़ा दूं तो ये हो जाएगी 12 लाख फिफ्टी थाउजेंड ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है टू तो यहां से जो यहां का रिलेशनशिप आएगा वो ओ की वजह से टू टाइम्स होना चाहिए तो रिलेशनशिप किस किस की होती है सेल की और ई की तो ये फिफ्टी परसेंट बढ़ना चाहिए यानी ये थ्री लैक हो जाना चाहिए अगर हमारा क्वेश्चन हमारी लीवरेज का रिलेशनशिप ठीक है तो सेल तो में ट्वेंटी फाइव परसेंट बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमने निकाली है टू टाइम्स है तो ईबीआईटी फिफ्टी परसेंट बढ़ना चाहिए चेक करते हैं कि क्या क्या ऐसा हो रहा है देखिए सिक्सटी परसेंट वेरियबल कॉस्ट है ट्वेल्व लैखी था की वेरिएबल कॉस्ट चली गई फाइव लैख बचे टू लैख फिक्सड कॉस्ट थ्री लैख गया यस ये मैच हो गया ओके okay, तो हमारे पास सिंपल सी रिलेशनशिप है इसकी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसके कैसे होंगे उसके बाद में हम चलेंगे फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आप समझ लीजिए फाइनेंशियल लीवरेज भी बहुत आसान है और कंबाइंड लीवरेज भी बहुत ज़्यादा आसान है आ जाइए दूसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन ई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स आप इसको एग्जाम में डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा सेल्स भी लिख सकते हैं ओके okay. अब जब हम लोग लीवरेज में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूं जो कंबाइंड लीवरेज है ना कंबाइंड लीवरेज सी वो फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज का मल्टीप्लायर होता है प्रोडक्ट होता है तो कंबाइंड लीवरेज प्रोडक्ट है ओ और एफ का तो ओ एल इंटू एफ एल इक्व टू कंबाइंड लीवरेज आती है अब बताइए अगर मुझे ओएल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाई एफ और अगर मुझे एफ एल निकालना है तो क्या करना होगा कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाई OL तो कंबाइंड लीवरेज इक्वस टू OL इंटू एफ एल तो अब अगर मुझे OL निकालनी है मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया मल्टीप्लाई नहीं कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाई फाइनेंशियल लीवरेज और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कंबाइंड लीवरेज इक्वस टू ओ एल इंटू एफ एल ये जब हम कंबाइंड लीवरेज पर पहुंचेंगे तब देखेंगे इसको एक हमारे पास फॉर्मूला भी पेंडिंग है वो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा वो थोड़ी देर के बात कराऊंगा बेसिकली वो भी आपसे ही बनवाया जाएगा आ जाते हैं एग्जाम्पल उठाते हैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सेल्स फिफ्टी लैख वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टी परसेंट फिक्स्ड कॉस्ट फाइव लाख क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज आप लोग निकाल के देखिए सॉल्यूशन ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी कॉन्ट्रीब्यूशन फिफ्टी लैख की सेल है फिफ्टी परसेंट वेरिएबल कॉस्ट बचा कितना फिफ्टी परसेंट तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर देता हूँ ट्वेंटी फाइव लैख बचे ई बी आई टी ट्वेंटी फाइव लैख ऊपर बचे हैं जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट फाइव लैख खर्च हो गई बीस लाख तो हमारे पास आ गया ट्वेंटी फाइव लैख डिवाइडेड बाई ट्वेंटी लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी पच्चीस डिवाइड बाई बीस, वन पॉइंट टू फाइव सिर्फ वन पॉइंट टू फाइव लिखकर भी छोड़ सकते हैं ओके इसे मैं लिख सकता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे आप लिख सकते हैं ओके एग्जाम्पल मान लीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन ने आपको दी हुई है ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू फोर टाइम्स ठीक है आपका एग्जिस्टिंग ebit 3 lakh rupees. calculate divide ebit after 20% increase in sales सेल में अगर 20 परसेंट इंक्रीज होता है तो आपका रिवाइज जीबीआईटी कितना होगा सॉल्यूशन रिवाइज ईबीआईटी इक्व टू एग्जिस्टिंग ईबीआईटी प्लस इंक्रीज इक्व टू थ्री लाख तो अभी है आपका इंक्रीज कितना होगा आप लोग बता सकते हैं कितना इंक्रीज होगा ऑपरेटिंग लीवरेज फोर है सेल बीस परसेंट बढ़ी है अगर सेल बीस परसेंट बढ़ेगी और ऑपरेटिंग लीवरेज है, तो चार गुना यानी परसेंट बढ़ने वाला है ये। तो फाइव लैक फोर्टी थाउजेंड लेकिन ये एट्टी परसेंट का आपको वर्किंग नोट दिखाना होगा परसेंटेज इंक्रीज इन ई बी आई टी इक्व टू परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाई ओ एल ट्वेंटी परसेंट मल्टीप्लाई बाई फोर इक्व एटी परसेंट तो एकदम सिंपल सोवर सा चैप्टर है बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है देखते हैं इसको आगे अब हमारे पास है फाइनेंशियल लीवरेज पॉइंट नंबर एट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है बस वो फाइनेंस की बात करेगा आ जाइए फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हर अटेम्प्ट में पांच से दस नंबर देकर जाएगा ये आपको तो बहुत ही सही है और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा होगा अच्छा कई बच्चों को ये लगता है कि मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कई बच्चों को ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद ना जैसे मान लो आपने कहीं पे क्लास ली है उसके बाद में आप लोगों ने हमारी जैसे फास्ट ट्रैक बैच ले लिया तो फास्ट ट्रैक बैच लेके बच्चे के ना जो फीडबैक आता है वो कहता है उसको ये लगता है कि सर एक बात बताओ जब आप फास्ट ट्रैक में ऐसे पढ़ाते हो तो हम रेगुलर बैच क्यों लें तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश की है ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर मैं करवाऊँगा स्पीड भी आपको कोई फास्ट नहीं लग रही होगी लेकिन हाँ रेगुलर बैच में क्या होता है मेरे पास समय ज़्यादा होता है ये बैच 80 से 100 घंटे के बीच के होते हैं जो रेगुलर बैच होते हैं वो पौने 200 200 घंटे के होते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं तो वहां पर मैं बातों को ज्यादा बता पाता हूँ और मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं वो और निकाल पाता हूँ मुझे जितना समय मिले मैं उतना ज्यादा ज्ञान आप लोगों को दे सकता हूं तो आपसे अगर कोई भी पूछता है कि फर्स्ट टाइम अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसे रेगुलर बैच ही रिकमेंड करिएगा क्योंकि वहां पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगी नए बच्चे के माइंड के हिसाब से वो बेटर है इसको अगर कोई फर्स्ट टाइम करता है फास्ट ट्रैक को तो उसके लिए उसका मेंटल लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई होना चाहिए और मैं यहाँ करवाता सब कुछ हूँ लेकिन मेंटल लेवल उसमें थोड़ा हाई चाहिए या फिर वो पहले से थोड़ा पड़ा हुआ होना चाहिए जी तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई सर का कौन सा बैच लेना है तो जो जूनियर्स हैं आपके नए बच्चे हैं उन्हें रेगुलर बैच ही सजेस्ट करें आप उन्हें बिल्कुल भी फास्ट ट्रैक सजेस्ट ना करें और जो आपके फ्रेंड कहीं क्लास ले चुके हैं वो रह जाते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक बैच रिकमेंड करिए अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ

ये रिलेशनशिप बताती है ये बात समझो ये एक रेशो है ये बात समझो रेशो किस तरह से डिजाइन किया गया है उस चीज को समझो कि एक रुपया हमें घर लाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये सारी पूरी कहानी समझ के रिलेशनशिप समझ के एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना फिर क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ऐसे आप लोग निकालेंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन देखेगा किस स्पीड में बनेंगे आ जाइए हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज इज द टेक्नीक ऑफ लीवरेज विच इज यूज बाई द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मेजर और Evaluate financial risk associated with any business. Financial leverage indicates. परसेंटेज चेंज इन ई पी अकरिंग ड्यू टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन ई ये किसकी परसेंटेज बताएगा ये परसेंटेज बताएगा आपकी बी से ईपीएस के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है यह इस चीज को बताएगा जी से फाइनेंशियल लीवरेज एज थ्री टाइम्स बताइए अगर फाइनेंशियल लीवरेज थ्री है तो क्या होने वाला है इसके अंदर हम फाइनेंशियल रिस्क को इवेल्यूएट करेंगे अगर फाइनेंशियल लीवरेज थ्री है इसका मतलब अगर ईबीआईटी में एक परसेंट चेंज होगा तो ईपीएस में थ्री परसेंट चेंज हो जाएगा वन परसेंट चेंज इन ईबीआईटी विल रिजल्ट इन थ्री परसेंट चेंज इन ईपीएस तो ये रिलेशनशिप बताएगा ईबीआईटी और ईपीएस की फॉर्मूले इसके जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो तीन हैं फर्स्ट फाइनेंशियल लीवरेज इक्व टू एक न्यूमरेटर बनेगा एक डिनोमिनेटर सेकंड फाइनेंशियल लीवरेज इक्व टू यहाँ मैं लिख भी देता हूँ परसेंटेज चेंज इन ई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ई और डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा ई थर्ड Financial leverage equals to combined leverage divided by operating leverage. Operating leverage equals to OL into FL or FL equals to CL divided by OL. Okay. इसमें फोर चार फॉर्मूले नहीं है इसमें सिर्फ तीन है एग्जाम्पल हम पहले एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं जिसके अंदर हम प्रीफरेंस शेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे हम फिर एक एग्जाम्पल ओढ़ लेंगे जिसमें हम प्रीफरेंस शेयर्स को भी कंसिडर करेंगे आ जाइए विदाउट प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल तो अभी हम प्रिफरेंस शेयर कैपिटल के बिना कर रहे हैं ओके okay. यहां पर मैं सिचुएशन रख रहा हूं एग्जिस्टिंग और दूसरा रिवाइड एग्जिस्टिंग रिवाइड यहां स्टार्टिंग करनी है ईबीआईटी से। सेल से ईबीआईटी तक का पोर्शन कवर कर रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज अब ईबीआईटी से आगे ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट EBT less tax EAT less preference dividend earning for equity डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अर्निंग पर शेयर यहां तक पहुंचना है में यहां तक पहुंचना है में ओके ईबीआईटी कुछ ही मान लीजिए ईबीआईटी फाइव लैख इंटरेस्ट टू लैख ईबीटी थ्री लैख टैक्स फोर्टी परसेंट वन ट्वेंटी अर्निंग आफ्टर टैक्स वन एटी प्रिफ्रेंस डिविडेंड नहीं लेना था जीरो अर्निंग फॉर इक्विटी वन एटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टेन थाउजेंड अर्निंग पर शेयर एटीन ठीक है तो विदाउट डिविडेंट है हम चाहते तो ई को ही नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके okay, ये हमारे पास आ गया अब देखिए वैसे तो हमारे पास दो फिक्स्ड कॉस्ट के बर्डन है एक प्रिफ्रेंस डिविडेंड और एक इंटरेस्ट लेकिन बताइए प्रीफरेंस डिविडेंड तो हमने जीरो कर दिया ये तो है नहीं अब बताइए हमारे पास सिर्फ एक ही बर्डन बचा वो बचा इंटरेस्ट सेम कंसेप्ट बताइए हमें कंपेयर करना है कि हमें कितना घर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और रेशो बनाना है अब बताइए रेशो कैसे बनेगा मैं अपने घर पर अगर एक रुपया ले जाना चाहता हूँ तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री वन पॉइंट सिक्स बार तो मुझे वन पॉइंट सिक्स बार मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा अगर मैं इसको कर दूँ थ्री लैख तो ये बचेगा टू लैख अब मेरे पास क्या होगा एक रुपया घर पे ले जाना है तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी टू पॉइंट फाइव टाइम्स तो जैसे जैसे मैं इस खर्चे को बढ़ाता जाऊंगा मैं इस खर्चे को बढ़ा के कर देता हूँ फोर लैख अगर फोर लेख कर दिया तो मेरे पास क्या होगा नीचे बचेगा मेरे पास वन लैख अब एक रुपया घर पर लाने के लिए मुझे फाइव टाइम मेहनत करनी पड़ेगी जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रेशो भी बढ़ता चला जाएगा ओके तो सिंपल सा रेशो हुआ जैसे ऑपरेटिंग का आया ऑपरेटिंग के अंदर हमने क्या लिया देखेगा ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर हमने लिया था फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर वाला आइटम कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाला आइटम तो इसके ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर बन गया था सेम यहां पर होने वाला है ओके आ जाइए लिखेगा फाइनेंशियल लीवरेज इक्व टू पहले फिक्स कॉस्ट से ऊपर वाला आइटम यहां पर इंटरेस्ट है ईबीआईटी डिवाइडेड आई फिक्स्ड कॉस्ट बाई फिक्स के बाद वाला आइटम ईबीटी फाइव लेख डिवाइडेड बाई थ्री लैख और ये मेरे पास बन गया वन पॉइंट सिक्स बार सिक्स 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 टाइम्स या सिर्फ वन पॉइंट सिक्स बार लिखकर छोड़ सकते हैं एफ एल वन पॉइंट सिक्स बार इंडिकेट्स फ ई बी आई टी इंक्रीज बाई वन परसेंट देन अर्निंग पर शेयर रिलेशनशिप सीधे अर्निंग पर शेयर से विल इंक्रीज बाई वन पॉइंट सिक्स बार परसेंट हम यहां पर क्या करते हैं कोई एग्जाम्पल उठाते हैं आप बताइए कि मैं कितना बढ़ा दूं ईबीआईटी को अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं तो जैसे 20 परसेंट तीस परसेंट कुछ भी बढ़ा देते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी इंक्रीज ईबीआईटी बी आई बाई रुपीज या बाई कितने परसेंट बीस परसेंट लेते हैं ट्वेंटी परसेंट देन देखेगा परसेंटेज इंक्रीज बाई परसेंटेज इंक्रीज ईपी ईपीएस इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज बाई ईबीआईटी जितना भी ईबीआईटी बढ़ा है मल्टीप्लाई बाई फाइनेंशियल लीवरेज जितने भी टाइम्स हो उतना इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ईपीएस इक्वल टू डेल्टा ईबीआईटी बी मल्टीप्लाई बाई एफ और यहां पर ये आएगा 20 परसेंट इंटू वन बार 33.3 बार परसेंट तो ईपीएस 33.3 बार परसेंट बढ़ जाएगा इसी से फाइनेंशियल लीवरेज का एक फॉर्मूला बन जाता है जो हम ऊपर लिख चुके हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है तो डेल्टा ईपीएस डिवाइडेड बाई डेल्टा ई बी चेक करते हैं कि क्या ये वाकई में मैच कर रहा है कि ई को 20 परसेंट बढ़ाए थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट बढ़ जाएगा आ जाइए यहां पर हम इसको बढ़ाते हैं ट्वेंटी परसेंट एज पर फाइनेंशियल लीवरेज प्रिंसिपल ईपीएस थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट बढ़ना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज वन पॉइंट सिक्स बार टाइम्स है ठीक है बच्चों चेक करते हैं ये मैंने फाइव लैख का बढ़ाकर कर दिया सिक्स लैख बीच में मैं कुछ नहीं देख रहा इसको थर्टी थ्री परसेंट बढ़ा रहा हूं ये हो गया ट्वेंटी फोर ठीक है अब चेक करते हैं कि क्या ये ट्वेंटी फोर है अगर ये हो गया तो इसका मतलब हमारी लीवरेज का जो रिलेशनशिप वो बताना चाहता है जो रेशियो दो वेरिएबल को कनेक्ट करना चाहता है वो वाकई में पूरी तरह से सक्सेसफुल है ये विदाउट प्रीफरेंस शेयर्स लिया है हमने अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम विद प्रीफरेंस शेयर्स भी लेंगे आ जाइए इंटरेस्ट माइनस हो गया टू लैख ,00 ये हमारे पास आ गया फोर लैख टैक्स फोर लैख का फोर्टी परसेंट वन सिक्सटी बचा टू फोर्टी प्रिफरेंस डिविडेंड है ही नहीं अभी इक्विटी के लिए बचा टू फोर्टी टेन थाउजेंड शेयर यस ये तो मैच हो गया परफेक्ट बैठा है एकदम अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं विद प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आ जाइए एग्जाम्पल विद प्रीफरे शेयर कैपिटल ओके जी देखेगा एग्जिस्टिंग वाइड ईबीआईटी कुछ ही ले लेते हैं टेन लेख लेस इंटरेस्ट ले लेते हैं थ्री लेख ईबीटी सेवन लैख लेस tax at 50% 350 eat 350 less preference dividend 1 lakh earning for equity टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स मान लो वन लेख ईपीएस टू पॉइंट फाइव जीरो ओके ये आ गया हमारे पास अब इस क्वेश्चन के अंदर एक परेशानी आने वाली है परेशानी क्या दिखेगी आपको परेशानी यह दिखेगी कि एक आईटम, एक आइटम जो फिक्स खर्चा है, वो इनकम टैक्स से पहले है और एक फिक्स खर्चा इनकम टैक्स के बाद है तो यह समस्या का घर बनता है अभी देखेगा हमें क्या करना है हमें जो फिक्स खर्चा है उसको फसाना है देखिए देखे इंटरेस्ट है और नीचे पीडी नहीं था तब तो, तो बड़ा आसान होता था ऊपर वाला आइटम और नीचे वाला आइटम लिया बात खत्म लेकिन अब क्या समस्या आने वाली है कि एक ये भी खर्चा है अब मैं दोनों को कैसे लूं क्या मैं ये वाला आइटम और ये वाला आइटम ले लूं नहीं बीच में टैक्स भी तो है अब ये जो बीच में टैक्स पड़ गया ये पंगा है अगर बीच में टैक्स ना होता तो हम क्या करते मान लो बीच में टैक्स नहीं होता तो हम क्या करते ईबीआईटी को लेते और पीडी के बाद वाले को ले लेते फंस जाता दोनों लेकिन अब बीच में टैक्स पड़ गया अब हम इन दोनों को नहीं फंसा सकते क्योंकि टैक्स भी कंसिडर होने लग जाएगा अब क्या तरीका है बड़ा सिंपल सा तरीका है या तो आप इन सारी चीजों को आफ्टर टैक्स बनाकर यहां पर लाओ आफ्टर टैक्स बनाओ सबको फिर ये वाला आइटम और इसके नीचे वाला आइटम उठाएंगे या फिर आप इसको प्रीफ्रेंस डिविडेंड को उठाकर ऊपर लेके जाओ विफोर टैक्स बनाकर अब विफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कैसे बनता है बड़ा सिंपल सा होता है बच्चों विफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स करने में क्या होता है जैसे कि एक है मान लो सौ रुपए इनकम टैक्स है पचास परसेंट ठीक है तो आपको आफ्टर टैक्स बनाना है तो क्या करते हैं से मल्टीप्लाई करते हैं के अंदर, तो हंड्रेड है तो वन माइनस पॉइंट फाइव इसका मतलब सौ रुपए में से एक रुपए में से पचास पैसे टैक्स के पचास पैसे आपके तो सौ रुपए में पचास पैसे आपके यानी पचास रुपए आपको मिल जाएंगे ठीक है अब यहां पर क्या रहता है देखिए जरा अगर किसी भी चीज को आपको मान लो विफोर है दो लाख रुपए पांच लाख है, पचास परसेंट फिफ्टी परसेंट अब आप क्या करिए इसको आफ्टर टैक्स बनाना है तो वन माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव लैख मल्टीप्लाईनस पॉइंट फाइव और ये हो गया टू पॉइंट फाइव लैख अब ये आफ्टर टैक्स हो गया ओके अब आफ्टर टैक्स को अगर बिफोर टैक्स बनाना है तो क्या करना होगा जरा देखिए इसको क्या करिए टू पॉइंट फाइव लेख्टर टैक्स है, है बताइए वहां पर क्या करा था वन माइनस टी से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर वन माइनस टी से डिवाइड कर दीजिए तो जैसे डिवाइड ये आपके पास आ गया फाइव लैख तो ये बिफोर टैक्स हो गया तो बताइए बिफोर कैसे बनाएंगे किसी चीज को डिवाइडेड वाई वन माइनस टी आफ्टर कैसे बनाएंगे किसी चीज को मल्टीप्लाई वाई वन माइनस टी ये रहता है हमारे पास पूरा Procedure. अब हमें क्या करना है हमारा सीधा सा रूल है तरीका नंबर वन हम यहां पर इसे भी जोड़ देते हैं लेकिन ऊपर ले जाने से पहले इसको बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा तो एक लाख रुपए वन माइनस पॉइंट फाइव ये हो गया टू लैख यहां टू लेख हमने जोड़ दिए अब देखिए क्या होगा ये हो जाएगा टेन लैख इंटरेस्ट प्लस प्रीफ्रेंस डिविडेंड एक साथ हो गए पांच लाख और प्रीफरेंस डिविडेंड ऊपर जाकर दो लाख रुपए का बन चुका है बचा कितना पांच लाख ,00 तो हमारे पास लीवरेज क्या है? अगर मेरे को एक रुपया घर ले जाना है तो मुझे दो रुपए की मेहनत करनी पड़ेगी तरीका नंबर वन ठीक है इन्होंने क्या करा ऐसे कर सकते थे यह आसान तरीका था यह बोले कि सर एक बात बताओ हम इंटरेस्ट में दो लाख रुपए हम इंटरेस्ट में दो लाख ,00 रुपए जोड़ें या ईबीटी में से दो लाख रुपए माइनस कर दें आंसर तो पांच लाख ही आ जाएगा आंसर पांच लाख आ जाएगा तो इन्होंने क्या करना शुरू करा ऊपर इंटरेस्ट में दो लाख रुपए जोड़ने की जगह ईबीटी में से दो लाख रुपए माइनस करना शुरू कर दिया कि प्रिफ्रेंस डिविडेंड को ऊपर ले जाकर इसमें से माइनस कर दो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था देखिए ईबीआईटी ऊपर रखो और नीचे रखो ईबीआईटी में से फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंशियल माइनस करके जितनी ज्यादा फाइनेंशियल फिक्स पोस्ट होगी उतना आपके पास कम बचेगा तो ईबीआईटी तो लाख है डिनोमिनेटर में ये बोले आप क्या करो बी लाख रुपए तो उठाओ ये इसमें से इंटरेस्ट तो माइनस हो ही चुका है और इसमें से दो लाख रुपए डिविडेंड के भी माइनस कर दो तो टेन लैख डिड बाई फाइव लैख ये आ गया आपके पास टू ऐसा आ जाएगा ओके अब टू लैख लिखने का तरीका ये बोले कि टू लेख कैसे लिखोगे एक लाख का डिविडेंड डिवाइडेड बाई वन माइनस पॉइंट फाइव यहीं पर लिख दो ओके अब जरा देखिए हमारे पास लीवरेज का फॉर्मूला बनकर क्या आएगा आराम से देखेगा फॉर्मूला है ई बी आई टी डिडेड बाईटी ईबीटी में इंटरेस्ट माइनस हो चुका है प्रीफ्रेंस डिविडेंड और माइनस करिए लेकिन बिफोर टैक्स करके दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ई बी आई टी डिडेड बाईटी ईबीटी में इंटरेस्ट हो गया माइनस पीडी और माइनस करना है लेकिन पीडी आफ्टर टैक्स है तो उसे बिफोर टैक्स बनाना होगा यह है पूरा पूरा प्रोसीजर अब जरा देखिए हमारे पास ये जो पूरा प्रोसीजर आ गया फाइनेंशियल लीवरेज लिखेगा लीवरेज इक्व टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस प्रीफर डिविडेंड डिवाइड बाई वन माइनस EBIT है टेन लेख ईबीटी है सेवन लैख पॉइंट फाइव. तो हमारे पास ये आ गया टेन लेख डिवाइडेड बाय फाइव लैख टू टाइम्स फाइनेंशियल इवरेज टू टाइम्स आ गई तो सर जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था वो तो गलत हो गया बच्चों देखो ऊपर एक मिनट ऊपर भी आपने फॉर्मूला लिखा था ऊपर क्या फॉर्मूला लिखा था EBIT डिवाइडेड बाई EBT बच्चों यहां पर यह फॉर्मूला गलत नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसमें से PD डी डिवाइड बाई वन माइनस टी लिखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर PD है जीरो इस क्वेश्चन के अंदर PD है जीरो तो बताइए ये खुद ही जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या ई बी आई टी तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट हो तो ई बी आई टी डिवाइड बाई ई बी टी लिख दो और अगर प्रीफ्रेंस शेयर्स भी हों तो ई बी आई टी डिवाइड बाई ई बी टी माइनस पी डी डिवाइड बाई वन माइनस टी करना पड़ेगा ओके okay, ये हमारे पास आ गया टू टाइम्स अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल लीवरेज टू टाइम्स क्या दिखाता है फाइनेंशियल लीवरेज टू टाइम्स दिखाता है कि एक परसेंट अगर ई बी आई टी में चेंज होगा तो ई पी एस में टू टाइम्स चेंज होना चाहिए चेक करना होगा कि क्या ये चीज मैच कर रही है या फिर मैच नहीं कर रही आ जाइए अगर मेरा फॉर्मूला ठीक है और हमारा कनेक्शन ठीक है तो आप यहां जितने भी परसेंट बढ़ाओगे ईपीएस में उसका टू टाइम्स बढ़ना चाहिए सही बात है कुछ भी बढ़ा दीजिए तो हम लोग ले लेते हैं जैसे 25 परसेंट अब बताइए अगर ऊपर 25 परसेंट ले रहे हैं तो नीचे कितना बढ़ना चाहिए 50 परसेंट बढ़ना चाहिए ओके तो ऊपर अगर मैं ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड कर रहा हूं तो नीचे टू पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी परसेंट थ्री पॉइंट सेवन फाइव होना चाहिए अगर ये थ्री पॉइंट सेवन फाइव हो गया तो हमारा लीवरेज का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है आ जाइए देखते हैं ट्वेल्व फिफ्टी इंटरेस्ट माइनस करते हैं थ्री लैख बचा कितना ट्वेल्व फिफ्टी माइनस थ्री लैख नाइन फिफ्टी टैक्स आधा 475, सेवनटी फाइव फोर डिविडेंड वन लैख बचा कितना 375, नंबर ऑफ शेयर वन लैख के थ्री पॉइंट अरे वाह ये तो मैच हो गया तो बच्चों आप लोग सीख चुके हैं फाइनेंशियल लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज अब ऊपर जाकर इसके फॉर्मूले लिखते हैं लास्ट लीवरेज है कंबाइंड लीवरेज फिर क्वेश्चन करेंगे और आप समझिए कि बस आप काम निपटाने वाले हैं जी फाइनेंशियल लीवरेज इक्व टू ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी माइनस पी डी डिवाइडेड बाई वन माइनस टी और ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी वैन नो प्रफरेंस शेयर कैपिटल अगर प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल ना हो तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं ये हो गया हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज का काम अब हम लोग देखते हैं लास्ट लीवरेज, दैट इज कंबाइंड लीवरेज वो बस ओ और एफ का कॉम्बिनेशन है ओके पॉइंट नंबर नाइन Combined leverage or degree of combined leverage. It is used to measure or evaluate. Overall risk associated with any business organization. Combined leverage indicates. परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर अक्रिंग अकरिंग परसेंटेज चेंज इन सेल्स देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज किसको लिंक करती थी ऑपरेटिंग <coughs> लीवरेज लिंक करती है सेल्स से ईबीआईटी को ओके okay. फाइनेंशियल लीवरेज किसको लिंक करती थी ईबीआईटी से ईपीएस को और कंबाइंड लीवरेज किसको लिंक करेगी कंबाइंड लीवरेज लिंक करती है बच्चों सेल्स से सीधे ईपीएस को ये सीधे सेल्स से ईपीएस तक कनेक्शन बना देगी ओके से कंबाइंड लीवरेज फोर टाइम्स इसका मतलब वन परसेंट चेंज इन सेल्स Will result in four percent change in EPS. Okay, formula combined leverage equals to. कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सीधे ईबीटी माइनस पीडी डिवाइड बाई वन माइनस टी और कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड ईबीटी सीधे इफ नो रिफ्रेंस शेयर कैपिटल सेकेंड कंबाइंड लीवरेज किस किस का कनेक्शन दिखाता है सेल्स का और इपीएस का परसेंटेज चेंज इन ई ड्यू टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन सेल्स और डेल्टा ईपीएस डिवाइडेड बाई डेल्टा सेल्स थर्ड कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ओ इनटू इन एग्जांपल एग्जिस्टिंग रिवाइज अब सारी लीवरेज निकालेंगे इसके अंदर हम शुरू से आखिरी तक सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी वाली होगी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट फिर आएगा ईबीआईटी ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बाद में आएगा ईबीटी ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स फिफ्टी परसेंट ले लेते हैं फिर आएगा ईएटी ईएटी में से माइनस करेंगे प्रीफ्रेंस डिविडेंड स डिविडेंड के बाद में आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी ये मैक्सिमम लेवल है बच्चों ये मैक्सिमम लेवल है इतना बड़ा एग्जाम्पल इसके बाद में हमारे पास आएगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स और आ जाएगा अर्निंग पर शेयर बढ़ते हैं कुछ भी बढ़ना चालू करते हैं पचास लाख रुपए की सेल है सिक्सटी परसेंट थर्टी लैख चले गए कंट्रीब्यूशन बचा ट्वेंटी लैख जिसमें से फाइव लैख फिक्स्ड कॉस्ट ले गई बचा फिफ्टीन लैख उसके बाद में इंटरेस्ट ले गया तीन लाख रुपए बचा ट्वेल्व लैख टैक्स सिक्स लैख ई ए टी सिक्स लैख प्रीफेंस डिविडेंड ले गया वन लैख अर्निंग फॉर इक्विटी बची फाइव लैख नंबर ऑफ शेयर है वन लैख एक इक्विटी शेयर होल्डर को मिले पांच रुपए ओके अब जरा देखिए रिलेशनशिप बता रहा हूं रिलेशनशिप यहां से यहां की रिलेशनशिप ओ बताएगा जितना भी होगा यहां से यहां की रिलेशनशिप एफ बताएगा जितना होगा और यहां से यहां तक की वन शॉट रिलेशनशिप सीएल बताएगा ठीक है अब जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी ईबीआईटी फिफ्टीन ट्वेंटी लैख डिवाइड बाई फिफ्टीन लैख वन पॉइंट थ्री बार फाइनेंशियल लीवरेज ई बी आई टी रिफ्रेंस डिविडेंट है यस ई बी टी माइनस पीडी डिवाइड बाई वन माइनस बी आई टी फिफ्टीन लैख ई बी टी ट्वेल्व लैख माइनस पी डी वन लैख डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स पंद्रह लाख डिवाइड बाय टेन लैख वन पॉइंट फाइव कंबाइंड लीवरेज ओए इंटू एफ एल 1.3 बार मल्टीप्लाई में वन पॉइंट फाइव इक्व टू टू ये हमारे पास तीनों लीवरेज निकल कर आ गई ठीक है चेक करते हैं ऊपर चलते हैं कुछ भी बढ़ाइए सेल में कुछ भी बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाब से कुछ और बढ़ा सकते हैं मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ट्वेंटी परसेंट ये है वन पॉइंट थ्री बार टाइम तो आपको पता है ई बी आई टी कितना बढ़ जाना चाहिए वन ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट थ्री 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 ये बढ़ेगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स बार परसेंट अच्छा एफ एल है वन पॉइंट फाइव टाइम्स तो ई पी एस कितना बढ़ेगा इंटू वन पॉइंट फाइव फोर्टी परसेंट कम्बाइंड लीवरेज है टू टाइम्स तो कम्बाइंड लीवरेज सीधे किसको लिंक कर देगी इसको लेता हूँ यहाँ, यहाँ पर अंदर और इसको भी लेते हैं यहाँ पर अंदर और इसको भी लेते हैं यहाँ पर अंदर ठीक है हाँ जी ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स बार परसेंट और इसके बाद में हमारे पास में ये हो गया फोर्टी परसेंट तो देखिए सेल से सीधा लिंक ईपीएस का बता दिया चेक करते हैं कि क्या ये सब लिंक सच में काम कर रहे हैं सिर्फ सेल बढ़ानी होती है सिक्सटी लैख हो गई बढ़ा दी ट्वेंटी परसेंट वेरिएबल कॉस्ट थर्टी सिक्स हो गई कंट्रीब्यूशन ट्वेंटी फोर हो गया इसके बाद में फिक्स्ड कॉस्ट फाइव लैख आ गई ये हो गया जी नाइनटीन लैख इंटरेस्ट थ्री लैख बचे जी सिक्सटीन लैख एट लैख चला गया टैक्स में बचा एट लैख वन लैख पी डी ले गए बचा सेवन लैख डिवाइड बाई वन लैख सात रुपये जरा बढ़ाकर देखना पांच रुपये प्लस फोर्टी परसेंट जी सात रुपये हो गया जी ओके तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मैच कर जाती हैं ओके तो सिंपल सा था बहुत आसान थे लीवरेज के रिलेशनशिप और लीवरेज के रेशो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं क्वेश्चंस में हम टाइम नहीं लगाएंगे हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं उन्हें हमें खटखट खट खट, खट 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 करना है और मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूं कि इसके दस बारह क्वेश्चन हैं बस उन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में घूम कर आएगा आ जाइए करना शुरू करते हैं लीवरेज के क्वेश्चन बीक्यू वन है द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू टू कंपनीज सेल्स पीकी क्यू की इनलेक्स है सब कुछ फिर वेरिएबल कॉस्ट बता दी कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया फिक्सड कॉस्ट बता दी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता दिया इंटरेस्ट बता दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दिया कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कम्बाइंड लीवरेज ऑफ द टू कंपनीज आ जाइए जल्दी से निकालना शुरू करते हैं यहाँ से हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपको पाँच नंबर तक सिंपली दे देगा पांच से दस नंबर अभी पी वाई क्यू देखेंगे उसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा बीक्यू है हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला लिखिए ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए यहां कौन सा वाला फॉर्मूला काम करेगा परसेंटेज वाला या कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी वाला तो यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाईटी वाला फॉर्मूला काम करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ई बी आई टी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है भाई यहाँ पर अब हम लेंगे पी लिमिटेड और फिर लेंगे क्यू लिमिटेड दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन थ्री हंड्रेड लैक्स डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी और दूसरे भाई का है सेवन हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड इसका आ गया टू टाइम्स टू भी लिख सकते हैं सिर्फ डब्बा बन और इसका आ गया सेवन डिवाइडेड बाई थ्री टू पॉइंट थ्री बार टाइम्स अगर कोई हमसे जानना चाहे कि किस पर ज्यादा रिस्क है तो ऑपरेटिंग रिस्क क्यू के ऊपर ज्यादा है ऑपरेटिंग रिस्क क्यू के ऊपर ज्यादा है क्योंकि क्यू के ऊपर ज्यादा क्यों क्योंकि क्यू की ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा आ रही है ओके सेकंड सेकंड पूछा है फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला देखिए प्रेफरेंस शेयर है या नहीं? नहीं है तो ईबीआईटी डिवाइडेड आई ईबीटी P लिमिटेड Q लिमिटेड P लिमिटेड Q लिमिटेड EBIT कितना है भैया 150. EBT 100. 1.5 times. टाइम्स और जी इसका आ गया 300 हंड्रेड डिवाइड बाई टू हंड्रेड वन पॉइंट फाइव टाइम्स अरे तो दोनों का सेम है तो फाइनेंशियल रिस्क दोनों का सेम है थर्ड कंबाइंड लीवरेज कमेंट नहीं मांगा वरना बता देते कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू ओ एल एफएल एफ एल पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड इसका ओ एल है टू और वन पॉइंट फाइव और इसका है टू पॉइंट थ्री बार एंड 1.5 ये हो गया थ्री टाइम्स और ये हो गया 3.49 3.5 टाइम्स बीक्यू वन खत्म तो एक तो सिंपल ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इनकम स्टेटमेंट वाले इसके अंदर क्या करेगा कुछ चीजें गायब कर देगा कुछ चीजें दे देगा और आपसे कहेगा इनकम स्टेटमेंट पूरा करो बीक्यू टू आ जाइए देखते हैं इनकम स्टेटमेंट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ब्लो ऑपरेटिंग लीवरेज अब लीवरेज पहले से दे दिया आपको थ्री इज टू वन फाइनेंशियल थ्री टू इज वन इंटरेस्ट ट्वेंटी थाउजेंड टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट कह रहे हैं प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट पहली चीज तो ये कि आखिर इनकम स्टेटमेंट कहाँ तक जाएगा देखिए लास्ट टू लास्ट जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाना है तो इस क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास इंटरेस्ट है तो ई से ई तक आप पहुँचाओगे ई बी तक आने के बाद में आपके पास टैक्स भी है तो ई तक आ जाओगे तो ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ई तक जाएगा तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना है आ जाइए इनकम स्टेटमेंट देखिएगा इनकम Statement Sales Less Variable Cost Contribution Less Fixed Cost EBIT लेस इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड इसी इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा कोई एक न्यूमेरिक फिगर दी जाएगी उसी से क्वेश्चन सोल्व होता है ईबीटी लेस टैक्स एट फिफ्टी परसेंट और ये आ जाएगा ई इसके आगे कुछ नहीं है नंबर ऑफ शेयर नहीं है पीडी नहीं है कोई चीज नहीं है इतना लिख लीजिए आप लोग अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये इनकम स्टेटमेंट पांच मिनट में भरा जा सकता है पांच मिनट में ये इनकम स्टेटमेंट पांच मिनट में भरा जा सकता है लेकिन फिर एग्जामिनर नंबर नहीं देंगे कैसे भरा जा सकता है मैं आपको भर के दिखाता हूं देखिए इन्होंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दी हुई है ऑपरेटिंग लीवरेज है थ्री और फाइनेंशियल लीवरेज है टू ठीक है अब जरा देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता था मैंने आपको पूरा प्रॉपर वे में सिखाया था ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ई बी आई टी ई बी आई टी वन होता था कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ होता था तो एल ओएल आता था ओएल थ्री है इसका मतलब ये हो गया थ्री टू वन ओके ये ओ एल आ गया ये एक रुपया है तो वो तीन रुपया एफ एल देखिए किसका था एफ एल था ई बी आई टी और ई बी टी का अगर ई बी टी एक रुपया है तो ई बी आई टी यहाँ पर दो रुपये है क्योंकि एफ एल है टू अब जरा देखिए क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये थ्री है ये वन है इसका मतलब ये टू है तीन में से दो रुपये जाएंगे तभी तो एक रुपया बचेगा और यहाँ पर ये टू है ये वन है इसका मतलब ये वन है अब जरा देखिए आप लोग मत लिखना ये बीस लाख है वन तो वन और वन बीस और ये टू है इसके हिसाब से तो फोर्टी ये भर गया इसके बाद में ये फोर्टी है वन तो थ्री कितना होगा वन ट्वेंटी टू कितना होगा एट्टी ऐसे पूरा भरता चला जाएगा लेकिन इस पर एग्जामिनर नंबर नहीं देंगे एग्जामिनर को चाहिए आपसे क्लैरिकल काम एग्जामिनर सीए इंटर पर एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहते वो सिर्फ आपसे क्लैरिकल काम करवाना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा है आप यहां पर बनाएंगे वर्किंग नोट वर्किंग नोट वर्किंग नोट के अंदर आप लोगों को स्टार्ट करना है एक एक चीज को ढूंढना अब बताइए इंटरेस्ट कहां पर आता है किस लीवरेज में आता है इंटरेस्ट आता है फाइनेंशियल लीवरेज में तो आप फाइनेंशियल लीवरेज से स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट नंबर वन फाइनेंशियल लीवरेज एग्जाम में एफ एल अगर आप लिखते हैं तो भी नंबर मिलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज पूरा लिखें तो बेहतर होगा जब फॉर्मूला फर्स्ट टाइम लिखें तो पूरा नाम लिखें बेहतर होता है ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी बताइए ई बी टी को क्या मैं लिख सकता हूं ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट आराम से देखिए बताइए ई बी टी कैसे आता है ई बी टी ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट ओके okay. अब फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है फाइनेंशियल लीवरेज टू टाइम्स टू इक्व टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाई टी इंटरेस्ट कितना है ट्वेंटी लैख अब ये सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू ईबीआईटी माइनस फोर्टी लैख इक्वस टू ईबीआईटी अब ईबीआईटी इधर आकर माइनस हो जाएगा वो सामने चला जाएगा ई बी आई टी इक्व टू फोर्टी लैख ऐसे आपको फोर्टी लैख तक पहुंचना है तब आपको इसमें नंबर मिलते हैं ओके तो ई बी आई टी हमारे पास फोर्टी लैख आ गया अब हम ऊपर जाएंगे वहां पर वर्किंग नोट वन मेंशन कर देंगे वर्किंग नोट वन और यहां आ गया फोर्टी लैख ठीक है ना अब फोर्टी में से ट्वेंटी गए बचे कितने ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट टैक्स टेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टेन ओके जी अब यहां से ऊपर कैसे जाए कोई बात नहीं आपके पास ई आ गया है ओएल का फॉर्मूला बताइए ओएल का फॉर्मूला क्या होता है ओएल का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ई बी आई टी सेकेंड ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाईबी आई टी और ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर है क्वेश्चन में थ्री कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी आपका आ चुका है फोर्टी लैख ,00 तो कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू फोर्टी लेक मल्टीप्लाई बाई थ्री वन ट्वेंटी लेख कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास आ जाते हैं ऊपर वन ट्वेंटी कॉस्ट हो गई बैलेंसिंग फिगर एटी अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिया हुआ है सिक्सटी परसेंट देखिएगा थर्ड क्या मैं लिख सकता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जी हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है वन करोड़ ट्वेंटी लैख इक्वस टू सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है सिक्सटी परसेंट और सेल्स इसका मतलब ये हुआ फोर्टी परसेंट ऑफ सेल्स सेल का फोर्टी परसेंट वन करोड़ ट्वेंटी लैख है तो सेल कितनी होगी वन करोड़ ट्वेंटी लैख डिवाइडेड बाई फोर्टी परसेंट ये आ गया थ्री करोड़ थ्री करोड़ आ गया सेल में थ्री करोड़ लिख दीजिए वेरिएबल परसेंट कॉस्ट सिक्सटी परसेंट आ गई वन एटी उसे लिख दीजिए ये काम आपका हो गया देखेगा सेल्स थ्री करोड़ वर्किंग नोट नंबर टू था कंट्रीब्यूशन और वर्किंग नोट नंबर थ्री था सेल्स वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट है वन करोड़ एटी लैख ओके बहुत ही सिंपल सोवर से क्वेश्चन है देखिएगा बी क्यू थ्री एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है बैलेंस शीट इसमें दी जाती है कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है ये क्वेश्चन एग्जाम में एट टाइम आ चुका है आठ बार आपको जो मैं इस टाइम बीक्यू करवा रहा हूं ये एग्जाम में सारे ही दो दो तीन तीन चार चार बार आ चुके हैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन पर जब जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अरे ये किस तरीके से चल रहा है बीक्यू थ्री देखेगा द बैलेंस शीट ऑफ एल्फा न्यूमेरिक कंपनी इज गिविन बिलो इक्विटी शेयर कैपिटल नाइनटी थाउजेंड रिटेन अर्निंग थर्टी थाउजेंड लॉन्ग टर्म डेट वन ट्वेंटी करंट लाइबिलिटीज सिक्सटी थाउजेंड नेट फिक्स माइनस है करंट एसेट इतना ये आपको दे दिया द कंपनीज टोटल दियाट टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है वैसे ये रेशो चैप्टर का है पर जो यहाँ पर रेलिवेंट चीज है वो मुझे लिखवानी होगी एसेट टर्न ओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाई एसेट्स ओके इससे सेल निकलेगी हमारे पास एसेट्स हमारे पास यहां पर हैं ओके इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 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 150 फिक्स्ड बता बता दी बता दी वेरिएबल वेरिएबल रेशो 50 50 टैक्स टैक्स रेट रेट भी आपको बता दिया सेल हम निकाल लेंगे बाकी सब कुछ हमारे पास है क्या चाहते हैं आप हमसे कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज फॉर द कंपनी एंड ईपीएस एग्जाम में इसका सिर्फ इतना ही हिस्सा आज तक आया है इसका सेकंड वाला हिस्सा जनरली नहीं पूछा जाता हम इसके दोनों हिस्से करेंगे स्टडी मैट में दोनों है एग्जाम में अगर ये आठ बार आया है तो दो बार इसके दोनों हिस्से पूछे गए अदरवाइज सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही पूछा जाता है अब जरा देखिए हमें निकालनी है अलग अलग तरीके की लीवरेज और ईपीएस तो पहले मैं आपके सामने फॉर्मूले लिख देता हूँ सारी लीवरेज के और फो ई का फर्स्ट सारी लीवरेज पूछी है तो ऑपरेटिंग लीवरेज एक ही कंपनी है दो कंपनियां नहीं है ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी यहां हम कैलकुलेशन लिख देंगे इसकी यहां पर आंसर लिख फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज में हमारे पास फॉर्मूला ई बी आई टी डिवाइडेड बाई चेक करिए क्या प्रीफरेंस शेयर हैं क्वेश्चन में या नहीं इक्विटी तो है रिटेन है नहीं जी प्रिफरेंस नहीं ओके ई बी टी ओके यहां पर फॉर्मूला यहां आंसर फाइनेंशियल लीवरेज के बाद में कंबाइंड लीवरेज ओ एल इंटू एफ एल यहां कैलकुलेशन यहां आंसर फिर पूछ रहा है अर्निंग पर शेयर ईपीएस अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर यहां कैलकुलेशन यहां आंसर ये यह हमसे चार चीजें पूछी गई हैं पॉइंट नंबर वन में सारी लीवरेज और ईपीएस ठीक है आ जाइए अब यहां पर बनेगा हमारा वर्किंग नोट वर्किंग नोट में हमें चाहिए ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी चाहिए फाइनेंशियल लीवरेज के लिए ईबीआईटी और ईबीटी चाहिए और अर्निंग पर शेयर के लिए अर्निंग फॉर इक्विटी चाहिए तो हम यहां पर बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग फॉर इक्विटी यहां से हमें सारा डेटा मिल जाएगा जाएंगे कैसे सेल्स शुरू करेंगे सेल्स उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट फिर हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट फिर हमारे पास आ जाएगा ईबीटी ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स फिर हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स यही है अर्निंग फॉर इक्विटी क्योंकि प्रीफरेंस शेयर नहीं है वरना प्रिफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो जाता ओके okay. अब जरा देखिए सेल नोट एसेट टर्न ओवर रेशो इक्वश टू सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स और सेल्स इक्व टू टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाई ये सामने आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एसेट टर्न ओवर रेशो तो आपके पास सेल कैसे निकलेगी टोटल एसेट मल्टीप्लाई वे एसेट टर्न ओवर रेशो ये मैंने नोट में इसलिए लिखवाया है क्योंकि अभी आपने रेशो चैप्टर पढ़ा नहीं है आप रेशो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी बस आपको पता होना चाहिए कि आखिर एसेट टर्न का मतलब होता क्या है अब जरा देखिए सेल कैसे निकालेंगे जरा एसेट देखिए कितनी है थ्री लेक की एसेट एसेट टर्न ओवर देखिए कितना क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो क्वेश्चन के अंदर एसेट टर्न दिया हुआ है थ्री टाइम्स आ जाइए थ्री टाइम्स नाइन लेख वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में फिफ्टी परसेंट फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है वन फिफ्टी थ्री लेख इंटरेस्ट बैलेंस शीट में जाके देखिए इंटरेस्ट मिलेगा टेन परसेंट लॉन्ग टर्म डेट वन ट्वेंटी तो टेन परसेंट ऑफ वन ट्वेंटी टेन परसेंट ऑफ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड टू लेख एटी एट थाउजेंड फिफ्टी परसेंट ले गए टैक्स वाले बचा वन फोर्टी फोर ये हमारे पास सारी डिटेल आ गई अब बस रेशो निकालिए और आपका काम हो जाएगा निकालना चालू करते हैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखे कितना आया 450 और ई बी आई टी थ्री लैख फोर फिफ्टी टाइम्स इसके बाद में फाइनेंशियल लिवरेज ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी 1.0416 तो 1.04 लिख रहा हूं मैं <coughs> टाइम्स नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ओ एल इंटू एफ एल वन पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट जीरो फोर वन पॉइंट फाइव सिक्स टाइम्स इसके बाद में है अर्निंग पर शेयर पर शेयर के लिए कमाई कितनी है 144 नंबर ऑफ शेयर के लिए जाइए बैलेंस शीट में ये देखिए 90,000 की कैपिटल दस रुपए का एक शेयर यानी नंबर ऑफ शेयर हो गए 9,000 थाउजेंड यह आ गया हमारे पास डिवाइड बाई 9,000 थाउजेंड वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई नाइन थाउजेंड सिक्सटीन रुपीज क्वेश्चन का पार्ट वन खत्म हो गया एग्जाम में यही पूछा जाता है बहुत ही सिंपल है बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया है आगे भी जल्दी ही मिलेगा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेगा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी कह रहे हैं ईबीआईटी बताइए कितना होगा इफ ईपीएस पी एस एज रूपी वन रुपी टू एंड रूपी जीरो तो हमारे को ईबीआईटी जानना है अगर ईपीएस एक रुपया हो तो दो रुपया हो तो तीन रुपया हो तो अब हमें ईपीएस और ईबीआईटी को कनेक्ट करना है क्वेश्चन ने बताया हुआ क्या है ईपीएस अब हमें शुरुआत करनी है सामने ईबीआईटी से तो ईबीआईटी माइनस आई वन माइनस टी प्रीफ्रेंस डिविडेंड है नहीं डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सिंपली अब केस वन ई इसमें बोला है कि हमारे पास ई है एक रुपया रुपी वन तो यहाँ मैं वन लिख देता हूँ, ई पी एस एक रुपया है ई बी आई टी जानना चाहते हैं कितना होगा तो ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट ट्वेल्व थाउजेंड वन माइनस टैक्स पॉइंट फाइव नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड सामने चला जाएगा वन माइनस टैक्स पॉइंट फाइव है नाइन थाउजेंड इक्व टू पॉइंट फाइव ई बी आई टी माइनस सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सामने जाकर ऐड हो जाएगा पंद्रह हजार रुपये और ई बी आई टी क्वस टू फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव थर्टी थाउजेंड से दो रुपये चाहिए तो ई बी आई टी माइनस ट्वेल्व थाउजेंड वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड सामने आ गए एटीन थाउजेंड हो गया एटीन थाउजेंड इक्व टू पॉइंट फाइव ई बी आई टी माइनस सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सामने आके ऐड हो गया तो ये हो गया ट्वेंटी फोर ई बी आई टी इक्व टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव फोर्टी एट थाउजेंड आपका इक्वेशन सोल्व करने का अपना अलग अंदाज हो सकता है सी जीरो ई पी एस चाहिए ई बी आई टी माइनस ट्वेल्व थाउजेंड टिवाइडेड बाई नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड सामने जाकर जीरो हो गया. 1 minus tax भी सामने जीरो कर दो तो ये बच्चा जीरो माइनस ट्वेल्व थाउजेंड ईबीआईटीव टू ट्वेल्व थाउजेंड क्वेश्चन खत्म बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों ये. और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी गया है तो इसकी तैयारी आपको तरीके से करनी है बीक्यू फोर बीक्यू फोर एग्जाम में दो से तीन बार आ चुका है आर टी पी में खूब पूछा गया है देखेगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन वन एंड टू एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी ओके तो दो सिचुएशन है और दो प्लान है इसमें क्या होगा ये आपको अलग अलग सिचुएशन बताएगा और अलग अलग बताएगा जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे दो सिचुएशन दो प्लान का मतलब टोटल चार कॉम्बिनेशन बनेंगे वन सिचुएशन दो प्लान नेक्स्ट सिचुएशन अगेन दो प्लान ठीक है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फोर थाउजेंड यूनिट इनके पास चार हजार यूनिट बनाने की कैपेसिटी है एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द कैपेसिटी यानी ये सिर्फ थ्री थाउजेंड यूनिट्स ही बनाते और बेचते हैं सेलिंग प्राइस थर्टी रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टीन रुपीज़ सेल प्राइस बता दिया वेरिएबल कॉस्ट बता दी अब फिक्स्ड कॉस्ट अंडर सिचुएशन वन फिफ्टीन थाउजेंड अंडर सिचुएशन टू ट्वेंटी थाउजेंड दोनों सिचुएशन में आपको बता दी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ये दो सिचुएशन हो गए इसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर के दो प्लान्स ले लिए प्लान ए और प्लान बी इसके अंदर प्लान ए में इक्विटी और डेट टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड है और प्लान बी में फिफ्टीन थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड है ओके okay. अब क्वेश्चन कह रहा है आपको ओ एल एफ एल और सी एल निकालना है इस डेटा से तो देखिए इसका कितना सिंपल सा सॉल्यूशन होता है हमारे पास आपके पास में सिचुएशन वन सिचुएशन टू प्लान ए प्लान बी ठीक है प्लान ए प्लान बी सेल वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट सिचुएशन के अंदर आपके पास में फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड और सेकेंड सिचुएशन में ट्वेंटी थाउजेंड रहेगी ओके इंटरेस्ट की जब बात आएगी तो इंटरेस्ट हमारे पास यहां पर टू थाउजेंड रहेगा प्लान ए में प्लान बी में वन थाउजेंड हो जाएगा फिर प्लान ए में टू थाउजेंड फिर बी में वन थाउजेंड फिर सारी लीवरेज इसमें निकाल दी जाएगी तो सिंपल सा क्वेश्चन है होमवर्क बी क्यू फाइव देखेगा द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन सिस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ वन करोड़ शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड पार वैल्यू एंड टेन थाउजेंड ऑफ टेन परसेंट डिवेंचर ठीक है जी ये हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है सेल्स इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट वन लैख यूनिट टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंट यूनिट पहले एक लाख यूनिट थी अब एक लाख बीस हजार हो गई है सेल प्राइस दस रुपये है वेरिएबल कॉस्ट छह रुपये है फिक्सड कॉस्ट टू लैख है इनकम टैक्स फिफ्टी परसेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर तो हमें निकालना है कि अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ा उसके बाद में पूछेगा ओ एल वन लैख यूनिट पर वन ट्वेंटी पर फाइनेंशियल वन लैख पर वन ट्वेंटी पर इस तरीके की चीजें पूछेगा तो सबसे पहले ईपीएस का चेंज निकालना है तो हम दोनों लेवल का ईपीएस निकालकर देखते हैं आ जाइए बी क्यू फाइव सबसे पहली रिक्वायरमेंट है द परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस रिक्वायरमेंट नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस दोनों लेवल ले लिए जाएंगे वन लेक यूनिट थी पहले बाद में बढ़ के वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट हो गई पर्टिकुलर्स सेल्स एट रुपीज टेन पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट एट रुपीज सिक्स पर यूनिट फिर हमारे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि पेपर बहुत आसान है बेटा ये पेपर बहुत सिंपल है ये चैप्टर भी बहुत आसान है ये सब कंसेप्ट भी बहुत आसान है बस मैं आपको एक चीज़ बता दूं जब मैं कंसेप्ट करवाता हूं उसको बड़े प्यार से करिए उसके बाद क्वेश्चन ना चुटकियों में बनेंगे और सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर हर तरीके का क्वेश्चन है और पी वाई क्यू भी आप करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी आएगा फिक्स्ड कॉस्ट इसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में आ गया ई बी आई टी EBIT के बाद में लेस इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर प्रीफरेंस शेयर नहीं है EBT लेस टैक्स एट टैक्स का रेट है 50 अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ये आपके पास आ गया EPS और इसके नीचे यहां पर लिख देंगे परसेंटेज इंक्रीज इन ई पी एस सेल्स टेन लेख ट्वेल्व लेख सिक्स लेख सेवन ट्वेंटी कॉन्ट्रीब्यूशन फोर लेख फोर एटी फिक्स्ड कॉस्ट है क्वेश्चन के अंदर टू लेख 2 ई बी आई टी टू टू एटी इंटरेस्ट एट दी रेट ऑफ लोन ले रखा है टेन परसेंट पर टेन लेख का वन लैख का इंटरेस्ट तो, वन लैख वन लैख वन एटी टैक्स दो फिफ्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स फिफ्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड नंबर ऑफ शेयर वन करोड़ की कैपिटल है सौ रुपए का एक शेयर है वन लेख शेयर वन लेख शेयर ईपीएस 50 फिफ्टी पैसे नाइन्टी पैसे ईपीएस कितना बढ़ा है वो बताना है तो ऐसे में क्या होता है एग्जिस्टिंग पे तो डैश लगाते हैं यहाँ पे बता देंगे प्लस कितने परसेंट चालीस पैसे बढ़ा है परसेंटेज बतानी है तो बताइए कैसे बढ़ाएंगे चालीस पैसे बढ़ा है फिफ्टी पैसे था इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी पैसे से नाइन्टी पैसे हो गए ना तो फोर्टी पैसे बढ़ गया ये आपके पास आ गया एट्टी परसेंट एटी परसेंट तो ये हमारे पास आ गया पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर टू ऑपरेटिंग लीवरेज पूछ रहा है वन लैक यूनिट पर वन ट्वेंटी पर फिर फाइनेंशियल लीवरेज ही पूछ रहा है आ जाइए सेकंड, ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई वन लैक यूनिट पर पूछ रहा है वन ट्वेंटी पर भी पूछ रहा है आज आपको एक नई बात और बताता हूं आप लोग मुझे एक बात बताइए जब हमने लीवरेज स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें इस बात का खतरा रहता है कि हम अपने फिक्स खर्चे निकाल पाएंगे या नहीं मुझे बताइए खतरा कैसे ख़त्म हो ये खतरा कैसे कम हो बड़ा सिंपल सा तरीका है जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा आपके ऊपर से खतरा कम होता जाएगा जैसे सोचिए मैंने आपको स्टार्टिंग में निकाल के दिखाया था कि अगर मेरी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री पेन ड्राइव बिकें तो मेरे ऊपर से फिक्स्ड कॉस्ट का खतरा हट जाएगा अब मुझे बताइए मेरी पाँच पेन ड्राइव बिकी फिर पाँच और बिक गई दस हो गई फिर पंद्रह फिर बीस फिर पच्चीस फिर तीस तो बताइए जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी मेरा खतरा कम होता जाएगा तो सेल इंक्रीज होने के साथ आपका रिस्क डिक्रीज हो जाता है ये अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आएगा अभी देखेगा अब आप देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज वन लैख यूनिट पर कितना आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन फोर लैख डिवाइड बाई टू लैख यहां पर देखिए यहां पर आ रही है लीवरेज टू टाइम्स और यहां पर देखिए फोर एट्टी डिवाइडेड बाई टू एट्टी अब आपकी लीवरेज कितनी हो गई वन पॉइंट सेवन वन टाइम्स इसका मतलब देखो खतरा कम हो गया जैसे ही आपकी सेल बढ़ी आपका खतरा कम हो गया खतरा कम हो गया तो लीवरेज कम हो गई हायर द लीवरेज हायर द रिस्क इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल लीवरेज निकालो फॉर्मूला लिखे पहले फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज है हमारे पास ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी ई बी आई टी है हमारे पास पहले वाले में टू लेख एट वन लेख यूनिट एट वन ट्वेंटी टू लेख डिवाइड बाई वन लेख और दूसरे वाले में है टू डिवाइड बाई वन एटी इसका आ गया हमारे पास टू टाइम्स और ये आ गया हमारे पास ट्वेंटी एट डिवाइड बाई एटीन वन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव फाइव बार आ रहा है वन पॉइंट फाइव सिक्स ओके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर फोर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर फोर है कमेंट ऑन द बिहेवियर देखेगा कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज इन रिलेशन टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम वन लैख यूनिट टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट बताइए क्या कमेंट देंगे बिल्कुल सिंपल सा कमेंट होता है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सेल रिस्क विल बी डिक्रीज आ जाइए कमेंट ऑन बिहेवियर हाँ जी बिहेवियर के अंदर हम कमेंट लिखेंगे विद इंक्रीज इन सेल्स या प्रोडक्शन या फिर एक्टिविटी लेवल रिस्क डिक्रीज रिस्क कम होता है जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका रिस्क कम होता चला जाता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बीक्यू सिक्स बहुत ही सिंपल सोवर सा क्वेश्चन है देखिएगा अब फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर सेल्स रुपीज हंड्रेड पर यूनिट ट्वेंटी फोर लैख तो आप नंबर ऑफ यूनिट कितनी सेल हुई हैं वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बाद में क्वेश्चन आपसे कहता है वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टी परसेंट फिक्सड कॉस्ट टेन लैख रुपीज इट हैज बोरो टेन लैक एट टेन परसेंट पर एनम एंड इक्विटी शेयर कैपिटल टेन लैख रुपीज ओके कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस कितनी रिटर्न होगी एज आर ओ आर ओ का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी तो बच्चों जब रिटर्न पूछी जाती है ईपीएस और रिटर्न में क्या फर्क है ईपीएस होता है पर शेयर कितने रुपए मिलेंगे तो उसका सिंपल सा तरीका होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स और रिटर्न ऑन इक्विटी पूछी जाती है आर पूछी जाती है इट मीन्स परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में कुछ नहीं करना आपको ऊपर रखना है इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई और डिनोमिनेटर में रखना है इक्विटी शेयर होल्डर की फंडिंग इफ सेल्स इंक्रीज बाई सिक्स लैख वॉट विल बी न्यू ईबीआईटी सेल्स और ईबीआईटी का कनेक्शन बताएंगे सेल्स और ईबीआईटी का कनेक्शन किससे आता है एल से इसका कनेक्शन आता है करना चालू करते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी से फाइव मिनट्स में हो जाना चाहिए बीक्यू सिक्स देखेगा बीक्यू सिक्स सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूले लिखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी यहां कैलकुलेशन लिखेंगे यहां पर इसका आंसर लिख देंगे सेकंड फाइनेंशियल लीवरेज इस क्वेश्चन के अंदर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या लिख सकते हैं हम फाइनेंशियल लीवरेज इक्व टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ई बी टी इक्व टू यहां इसका सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर थ्री कंबाइंड लीवरेज जो सबसे आसान बैठता है आप लोगों को कंबाइंड लीवरेज कंबाइंड लीवरेज के अंदर ओ एल मल्टीप्लाई वाई एफ एल यहां कैलकुलेशन यहां आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्थ पॉइंट रिटर्न ऑन इक्विटी आर ओ ई लिख सकते हैं सिर्फ सिंपल सा तरीका है इसका ऊपर रखेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी फंड मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड यहां कैलकुलेशन यहां आंसर फिफ्थ पॉइंट इफ सेल्स इंक्रीज बाई रुपी सिक्स लेख न्यू ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाई रुपीज सिक्स लेख सेल की परसेंटेज देखते हैं कितनी बड़ी परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स अभी जरा देखिए इनकी सेल कितनी है सिक्स लेख ,00 बढ़ गई है अभी है ट्वेंटी फोर लैख मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट न्यू ईबीआईटी न्यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एग्जिस्टिंग ईबीआईटी प्लस इंक्रीज इसकी कैलकुलेशन लिख लेंगे यहां पर यहां इसका आंसर आ जाएगा अब हमें बनाना है वर्किंग नोट वर्किंग नोट सिंपल सेल से लेकर और नीचे तक जाएंगे जहां तक पहुंच पाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बहुत सिंपल सा चैप्टर था बच्चों ये आपने बड़े प्यार से कर लिया एकदम से पर्टिकुलर्स अमाउंट सेल्स 24 लाख इसके आगे वाले जो चैप्टर आएंगे वो तो आप और भी मजे से कर लोगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग ना इंटेलिजेंट हो हमारे पास जो पुराने बैच थे वो इतने इंटेलिजेंसी के साथ नहीं कर पाते थे जैसे नई जनरेशन आ रही है और कर पा रही है मुझे तो कई बार ये लगता है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे इतनी इंटेलिजेंट होती जा रही है क्या मैं आगे आने वाले बच्चों को पढ़ा भी पाऊंगा क्योंकि बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं डे बाई डे कि भाई साहब उनको हैंडल करना तो, तो बार रे तोबा ऐसे मिनट में कंसेप्ट समझ जाते हैं मतलब इतने भारी कोर्स को एफ कॉस्टिंग भारी है ऐसे चुटकी बजाते में समझ जाते हैं वाह भाई वाह बहुत बढ़िया बच्चों आप लोग बहुत आगे जाओगे कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेल्व लैख भूल मत जाना लेकिन अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ने भेजना है आपने ध्यान रखिएगा इसको फिक्स्ड कॉस्ट टेन लैख इसके बाद में हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू लेख लेस इंटरेस्ट एट टेन परसेंट ऑफ टेन लेख का लोन ले रखा भाई ने वन लैख ये हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स वन लैख टैक्स है फिफ्टी परसेंट फिफ्टी थाउजेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स फिफ्टी थाउजेंड और कुछ नहीं है प्रीफरेंस डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं ईपीएस नहीं निकालना हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स ही है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि प्रीफरेंस शेयर नहीं है ओके okay. बच्चे कहते हैं कि सर हम अपने बच्चों को आपके पास पढ़ने भेजेंगे पर क्या आप उस टाइम पर न, पढ़ा रहे होगे बेटा हम वो वाले टीचर हैं जो स्कूल में होते हैं ना जो रिटायरमेंट तक पढ़ाते हैं उसके बाद भी अपनी एक्सटेंशन लगवा लेते हैं तो हम पढ़ा रहे होंगे आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे उनके बच्चों को भी पढ़ाएंगे हम और बच्चा कहता है कि सर लेकिन आप पढ़ाओगे हम आपके पास भेजेंगे तो तब इतना सीए जैसा कोर्स हम करवाएंगे क्या बच्चों को बेटा एक बार जब आप सीए बन जाओगे ना तो आप अपने बच्चों को सीए ही करवाओगे जब बच्चा सीए कर रहा होता है तो कहता है यार इतनी मेहनत है एम बी ए आसान है ये आसान है और हम सीए नहीं करवाएंगे अपने बच्चे को ना किसी को सजेस्ट करेंगे जैसे ही सीए बनता है फिर सबको पकड़ पकड़ के कहता है सीए कर लो क्योंकि ये कोर्स ही प्रीमियम है आगे की लाइफ ही बहुत ही प्रीमियम है और मुझे पक्का यकीन है आप लोग वो प्रीमियम लाइफ जियेंगे ही जियेंगे और मेरा भी इसमें लालच है देखो एक तो जब आप सीए बन जाओगे तो मेरे मन को खुशी मिलेगी दूसरी बात जब आप सीए बन जाओगे तो मेरा भी काम बढ़ेगा क्योंकि आप बच्चे भेजोगे हमारे पास तो इस तरह से मेरा पूरा लालच है कि आप सीए बन जाएं इवन मेरा बहुत लालच है कि आपका इंटरमीडिएट जल्दी से जल्दी निकले तभी तो फाइनल में आके हमसे पढ़ोगे वरना फाइनल में कहां पढ़ोगे आप हमसे तो जरूरी है कि आप लोग आए जी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया ट्वेल्व लैख और टू लेख यह आ गया सिक्स टाइम्स फर्स्ट का आंसर आ गया टू लेख डिवाइडेड बाई वन लैख टू टाइम्स सेकेंड का आंसर आ गया ओ एल इंटू एफ एल सिक्स इंटू टू ट्वेल्व टाइम्स ये आ गया जी हमारे पास कंबाइंड लीवरेज का अर्निंग फॉर इक्विटी फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी फंड देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है टेन लैख की फाइव परसेंट इसके बाद में हमारे पास लास्ट पॉइंट है सेल ट्वेंटी फाइव परसेंट बढ़ी है एग्जिस्टिंग ईबीआईटी लिखता हूं पहले एग्जिस्टिंग ईबीआईटी हमारा आ रहा है टू लैख प्लस देखिए सेल कितनी बढ़ी है सेल बढ़ी है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है सिक्स टाइम्स अब मुझे बताइए आप अगर सेल ट्वेंटी फाइव परसेंट बढ़ी है तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा सिक्स टाइम्स यानी ईबीआईटी बढ़ेगा 150 परसेंट वन परसेंट तो 2 लाख प्लस 150 परसेंट हमारा ईबीआईटी हो जाएगा 5 लाख। बीक्यू सिक्स खत्म बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था चुटकियों में हो गया बीक्यू सेवन बीक्यू सिक्स खत्म बीक्यू सेवन शुरू देखते हैं एक बार बीक्यू सेवन पढ़ते हैं आ जाइए सेल्स रिवेन्यू ऑफ टी एम एक्सीलेंस लिमिटेड रुपीज ट्वेंटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज ट्वेंटी लैख एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टेन लेक तो इसका मतलब बीस रुपए पर यूनिट पर बेचते हैं ट्वेंटी लैख की सेल है कॉन्ट्रीब्यूशन टेन लैक है एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज टू पॉइंट फाइव इन्होंने ऑपरेटिंग लिवरेज बता दिया तो मोस्ट प्रोबेबली अब यह आपको फिक्स कॉस्ट नहीं बताएंगे कोई बात नहीं कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रिफ्रेंस शेयर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर वन लैख एप्लीकेबल कॉरपोरेट इनकम टैक्स इज फिफ्टी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल सिक्सटीन परसेंट डेट की अमाउंट नहीं बताई इंटरेस्ट का रेट बता दिया है वॉट इज द ई पी एस एट सेल्स रिवेन्यू ऑफ ट्वेंटी लैख सबसे पहले तो हमें निकालना है कि आखिर हमारा अर्निंग पर शेयर कितना होगा ट्वेंटी लैख पर तो बताइए हमें क्या चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स डिवाइडेड by नंबर ऑफ shares इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट का वर्किंग नोट आ जाइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा बीक्यू सेवन बीक्यू सेवन में हमारे पास पॉइंट नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर इक्व टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर हमारे पास हैं वन लेख नंबर ऑफ शेयर्स हैं ईबीआईटी नहीं है यहां कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट के लिए रेट तो है सिक्सटीन परसेंट पर इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है ओके okay. यहां कैलकुलेशन आएगी डिवाइडेड बाई वन लैक होगा टू आंसर आएगा अब मुझे क्या क्या चाहिए वर्किंग नोट में मुझे वर्किंग नोट में चाहिए एक तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन क्वेश्चन ने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दी हुई है आ जाइए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ई ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी ओ एल है टू पॉइंट फाइव टाइम्स कॉन्ट्रीब्यूशन टेन लैक गिवन है डिवाइडेड बाई ई बी आई टी ई बी आई टी सामने टू पॉइंट फाइव नीचे और ई बी आई टी इक्व टू टेन लैक डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव क्वस टू फोर लैख अगर आप फिक्सड कॉस्ट निकालना चाहें तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी सिक्स लैख रुपीज फिक्स निकालना चाहें तो फिक्स लैख रुपीज अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्वेश्चन ने ऑपरेटिंग लीवरेज ना दिया होता तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट के थ्रू भी जाना पड़ सकता था कोई ना कोई तरीका देते आसान निकला ये फोर लैख का ईबीआईटी आ गया जी माइनस इंटरेस्ट करना है आप तो भैया अब इंटरेस्ट माइनस करना है जो सिक्स परसेंट पर एन है 16 परसेंट पर एन ओके तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे हम जो भी आएगा वन माइनस टैक्स पॉइंट फाइव अब जरा क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास क्या तरीका है जिससे आप इंटरेस्ट की अमाउंट या कुछ निकाल पाए अरे भाई ऑपरेटिंग लीवरेज में तो ई तक होता है ई दिया नहीं हम्म और तो कुछ मिल नहीं रहा भाई इसमें सर क्या करें अब कुछ और नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं आ जाइए यहां पर क्वेश्चन ने कहा ईपीएस निकालना है बीस लाख की सेल पर जो अभी चल रहा है आपका एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल निकालनी है ऑफ द कंपनी इफ आर ट्वेंटी इन सेल्स विल वाइप आउट ई पी एस डिक्लाइन इन सेल वाइप आउट ईपीएस पहली बात सेल्स और ईपीएस का रिलेशन किससे होता है कंबाइंड लीवरेज वाइप आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज को साफ करना तो वाइप आउट ई पी एस का मतलब है EPS हो जाएगा जीरो ईपीएस विल बी जीरो इस लाइन का मतलब समझते हैं इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है राज आ जाइए बी देखिए, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है उस लाइन को आपको पढ़ना जरूरी है ट्वेंटी फाइव डिक्रीज ट्वेंटी फाइव डिक्रीज इन सेल्स इक्व टू परसेंटेज डिक्रीज इन ई पी एस हंड्रेड कितने परसेंट डिक्रीज हंड्रेड परसेंट वाइप आउट मीन्स रीच टू जीरो वाइप आउट मीन्स रीच टू जीरो आप जीरो पर पहुंच जाएंगे ओके अब मुझे बताइए ईपीएस और सेल का जो रिलेशन है वो कौन क्रिएट करता है ईपीएस और सेल का रिलेशन क्रिएट करता है कंबाइंड लीवरेज बताइए कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स हंड्रेड परसेंट ई चला जाएगा पच्चीस परसेंट सेल से, इट मींस कंबाइंड लीवरेज है फोर टाइम्स कंबाइंड लीवरेज फोर टाइम है फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकाल सकते हैं कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग लीवरेज फोर टाइम्स डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग लीवरेज है टू पॉइंट फाइव टाइम्स इक्व टू फोर डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स टाइम्स फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास आ गई बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है बच्चों ध्यान से देख लीजिए इसमें क्या किया 25% सेल से 100% टीपीएस खत्म हो गया इसका मतलब कंबाइंड लीवरेज 4 है क्योंकि सेल और ईपीएस का रिलेशन है फाइनेंशियल लीवरेज आ गई हमारे पास क्योंकि ओएल गिवन हो दिया अब हमारे पास जरा देखिए फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी क्या मैं लिख सकता हूं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट EBIT डिवाइड बाय EBT EBT को हम लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट फाइनेंशियल लीवरेज है 1.6 अब ये देखिए 1.6 EBIT मुझे मालूम है 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस इंटरेस्ट ये 4 लाख और इंटरेस्ट चला जाएगा सामने और 1.6 आ जाएगा यहाँ पर 4 लाख माइनस इंटरेस्ट इधर का 4 लाख डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब फोर लेख को सामने ले जाइए माइनस इंटरेस्ट इक्व टू टू फिफ्टी माइनस फोर लेख माइनस का वन फिफ्टी माइनस से माइनस कैंसिल इंटरेस्ट मेरे पास निकल कर आ जाएगा ये देखेगा बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है हटा दू नोट कर लिया हो तो आ जाइए इंटरेस्ट आ गया वन लैक फिफ्टी थाउजेंड आ जाइए फोर लैक माइनस वन फिफ्टी माइनस फिफ्टी परसेंट एक लाख पच्चीस हजार डिवाइड बाई वन लैख रुपीज वन पॉइंट टू फाइव निंग पर शेयर आ गया रुपीज वन पॉइंट टू फाइव क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है ध्यान से देखेगा क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नंबर टू देखिए कैलकुलेट ईपीएस और दूसरा है अमाउंट ऑफ डेट अमाउंट ऑफ डेट आपको चाहिए देखेगा इंटरेस्ट इक्व टू अमाउंट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट का रेट देखिए कितना है सिक्सटीन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट है सिक्सटीन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट आपको मालूम है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट ऑफ डेट जितना भी लोन है उसमें सिक्सटीन परसेंट मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट आता है तो बताइए अमाउंट ऑफ डेट कितना होगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्सटीन परसेंट नाइन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एकदम सिंपल सोवर टेक्निकली बिल्कुल आसान कोई कंफ्यूज करने वाला पॉइंट किसी भी तरीके से नहीं हटा दूं। ओके, आ जाइए ब्रेक इन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके हमारे पास चल रहा था कंसेप्ट नंबर टेन ंसेप्ट नंबर नाइन कंसेप्ट नंबर टेन देखेगा टेन बीपी एस एंड ऑपरेटिंग लिवरेज बीपी एग्जाम्पल उठाता हूं पहले एग्जाम्पल देखिए सेल है मेरे पास सेल uh, है मेरे पास रुपीज फिफ्टी पर यूनिट सेल प्राइस लिखना चाहिए सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट है वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट है यानी रुपीज थर्टी पर यूनिट यह हुआ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज ट्वेंटी ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास ट्वेंटी थाउजेंड कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स सॉल्यूशन. बीपी इन यूनिट आप सभी को आता है जिन्हें नहीं भी आता वो परेशान ना हो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ऐसी सेल जिस पर प्रॉफिट लॉस जीरो हो तो बीपी इन यूनिट इक्व टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है ट्वेंटी थाउजेंड अब जरा देखिए एक यूनिट एक यूनिट आपको पचास रुपए देती है और तीस रुपए आपके खर्च करवा देती है तो आपके पास बीस रुपए बचते हैं उस बीस रुपए में से आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी देनी है बीस हजार रुपए की फिक्स कॉस्ट है एक यूनिट पर बीस रुपए बचते हैं बताइए कितनी 1000 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगे तो यानी ब्रेक इवन वन 1000 यूनिट होगा वन थाउजेंड यूनिट पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे इसे हम ऑपरेटिंग बीईपी बोलते हैं फाइनेंशियल अलग है बीपी यूनिट ऑपरेटिंग यहां ऑपरेटिंग की ही बात हो रही है बिजनेस ऑपरेशन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा अब आप देखिए थाउजेंड यूनिट है सेल कितनी हुई फिफ्टी थाउजेंड खर्चा कितना हुआ थर्टी थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी थाउजेंड फिक्सड कॉस्ट भी ट्वेंटी थाउजेंड नो प्रॉफिट नो लॉस तो बिजनेस ऑपरेशन में प्रॉफिट लॉस आपको नहीं है फाइनेंशियल खर्चा भी बाकी है इंटरेस्ट भी देना है लेकिन ऑपरेटिंग की बात हो रही है अब एमओएस का मतलब बीपी का मतलब होता है लेवल ऑफ सेल्स एट विच ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी एज जीरो यानी कंपनी बिजनेस से कुछ नहीं कमा रही एमओएस का मतलब सेल्स ओवर एंड अबव बीईपी लेवल एमओएस का मतलब होता है कि आप बीपी से कितना ऊपर सेल कर रहे हैं अब जरा देखिए एग्जाम्पल हमने निकाला कि टेन थाउजेंड यूनिट हमारा बीपी है अब मान लीजिए कि हम बेचते हैं ट्वेल्व फिफ्टी ट्वेल्व फिफ्टी यूनिट्स एग्जाम्पल सेल्स एट रुपीज फिफ्टी ट्वेल्व फिफ्टी यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट रुपीज थर्टी पर यूनिट सेम वही फिक्स्ड कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब देखिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया ब्रेक इवन पॉइंट आ गया वन थाउजेंड यूनिट और अगर कोई अमाउंट में पूछना चाहता है तो फिफ्टी थाउजेंड की अगर आप सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड वेरियबल कॉस्ट बीस हजार रुपए फिक्स कॉस्ट ओके okay. आपकी एक्चुअल सेल कितनी है एक्चुअल सेल्स आपकी एक्चुअल सेल है 1250 यूनिट्स और 1250 को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करो रुपीज सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब जरा देखिए नाउ आप लोगों को मैंने सिखाया था ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना सेल्स सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट ट्वेल्व फिफ्टी यूनिट पर पचास रुपये, लेस वेरिएबल कॉस्ट सिक्सटी परसेंट है सीधे सिक्सटी परसेंट माइनस कर सकते हैं और ट्वेल्व फिफ्टी पर थर्टी रुपये भी ले सकते हैं एक ही बात आएगी थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेस फिक्स्ड कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड ईबीआईटी फाइव थाउजेंड ये हमारे पास सेल है सिक्स टू फाइव डल जीरो सिक्सटी ट्वेंटी कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी थाउंड फिक्स कॉस्ट ई आई 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 ऑपरेटिंग लीवरेज अगर हम निकालें तो हमारे पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ई बी आई टी हमारे पास आता है फाइव थाउजेंड ऑपरेटिंग लीवरेज हो गई फाइव टाइम्स ये तो हमें निकालना आता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सेल वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट ई बी आई टी ठीक है थी। अब आप एक बात सोचिए कि ये जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपने कमाए हैं ये जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपने कमाए हैं और ये जो फाइव थाउजेंड आप अपने घर ले जा रहे हो हमने कैसे लिखा था कि एक रुपया घर ले जाना है तो पांच रुपए की मेहनत करनी पड़ेगी वन रुपए घर ले जाना है तो फाइव रुपीज की मेहनत करनी पड़ेगी अब आप ये सोचिए कि फाइव रुपीज कितनी सेल पर आ रहे हैं टोटल सेल पर टोटल सेल पर 25,000 फाइव हैं अब आप ये सोचिए कि ये जो ई 5,000 है ये क्या है 5,000 का ई है टोटल सेल्स कंट्रीब्यूशन। ये टोटल सेल का कंट्रीब्यूशन है और ये जो ई है जो प्रॉफिट है बी तक तो जीरो हो गया बी तक जीरो हो गया यानी 50,000 तक की सेल पर कुछ नहीं कमाओगे आप फिफ्टी माइनस थर्टी बचा ट्वेंटी खत्म आप कमाओगे किस पर जो उसके बाद की ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड की सेल होगी तो फिफ्टी थाउजेंड के बाद वाली जो सेल होगी उस पर कमाओगे उस पर सिक्सटी परसेंट वेरिएबल कॉस्ट लगेगी और आपके पाँच हजार रुपये बच जाएंगे इट मीन्स ये ई बी आई टी टोटल सेल के दो हिस्से हैं टोटल सेल का एक हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूशन का जाता है फिक्सड कॉस्ट में तो एक हिस्सा गया फिक्स कॉस्ट में ये कौन से वाले प्रपोर्शन का बीपी का बी पी सेल का हिस्सा फिक्सड कॉस्ट के लिए है तो बी पी क्या करता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को प्रॉपर वसूल करवा देता है प्रॉफिट कुछ नहीं कमा के देता और इसके बाद में ये जो बचा हुआ पांच हजार है ये एमओ एस सेल का हिस्सा है तो इसका मतलब हम जितनी भी सेल करते हैं उसमें ब्रेक इवन पॉइंट का काम है फिक्सड कॉस्ट को निकाल कर देना और जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे ले आना अगर हम प्रॉफिट पर हैं तो वो एम ओ एस की वजह से हैं तो इन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो हम जो अपने घर पर एक रुपया लेकर जाते हैं ये एमओएस की वजह से हुआ ये जो एक रुपया हम घर लेके जाते हैं ये एमओएस की वजह से हुआ तो ओ का एक और फॉर्मूला निकला और वो फॉर्मूला निकला वन डिवाइडेड बाई एमओन इन सेल्स वन डिवाइडेड बाई एमओस प्रपोर्शन इन सेल वन डिवाइडेड बाई यहां पे मैं रखने वाला हूं नाउ एमओस प्रपोर्शन एमओएस प्रपोर्शन बताइए एमओएस कितना है टू फिफ्टी यूनिट ट्वेल्व फिफ्टी यूनिट है आपकी उसमें से वन थाउजेंड यूनिट पर है बीपी एमओएस का मतलब है बीपी से ऊपर कितनी सेल हुई डिवाइडेड बाई 1250 फिफ्टी यूनिट्स तो ट्वेल्व फिफ्टी यूनिट में से टू फिफ्टी यूनिट एमओएस का हिस्सा है तो एमओएस है पॉइंट और पॉइंट है बीपी तो सेल के दो हिस्से होते हैं एक बीपी और एक एमओएस बीपी पॉइंट एट हिस्सा है पॉइंट टू हिस्सा है एमओ एस ओके अगर हम अमाउंट में देखें एमओएस पर पोर्शन सेल कितनी है आपकी सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड और ब्रेक विन पर है फिफ्टी थाउजेंड तो सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड माइनस बीपी पी फिफ्टी थाउजेंड सेल्स बीपी अमाउंट में यूनिट में कैसे भी निकाल सकते हैं अब मुझे बताइए कि आप फिफ्टी थाउजेंड से कितना ऊपर सामान बेच पा रहे हैं ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आउट ऑफ सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड तो चेक करिएिवाइड बाई सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड पॉइंट टू यानी पॉइंट टू हिस्सा हमारा है पॉइंट टू हिस्सा हमारा है जो हम घर ले जा पाएंगे बीपी तक का हिस्सा खर्चे में निकल जाएगा अब ओए ओएल पे देखिए रुपए में ट्वेंटी पैसे हमारे हैं इट मींस हमें फाइव टाइम्स मेहनत करनी पड़ती है एक रुपए में से ट्वेंटी पैसे हमारे हैं यानी हमें फाइव टाइम्स मेहनत करनी पड़ती है यही ओयल कहता है कि हमें एक रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तो ओयल का एक और फॉर्मूला है ऑल्टरनेटिव जो मैंने लिखने के लिए आपको जगह छोड़वाई थी वहां लिखवाया नहीं था कि बाद में आएगा दैट इज वन डिवाइडेड बाई एस प्रपोर्शन सेल ये सारा हिस्सा कॉस्टिंग का है ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया सारा ये सारा हिस्सा कॉस्टिंग का है तो कॉस्टिंग में ऑलरेडी बच्चों ने बीपी पढ़ा होता है नहीं पढ़ा हो तो यहां पर जो मैंने लिखवाया है उसे आप ध्यान कर लीजिएगा ध्यान दीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने एक फोर्थ फॉर्मूला छोड़ा था वो फोर्थ फॉर्मूला अब आप लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई एस प्रपोर्शन तो एम ओ एस का कितना प्रपोर्शन है सेल में वन से डिवाइड कर दीजिए आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा नोट कर लीजिएगा बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसके बहुत ही सिंपल सोबर सा, सा क्वेश्चन है आ जाइए लिखिएगा नोट Higher the fixed cost, higher the BP, and therefore higher the operating leverage, not higher the MOS. लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए ब्रेक इवन पॉइंट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब आपने खर्चों का बटन उतना ज्यादा ले रखा है लीवरेज भी ज्यादा आनी चाहिए और एमओएस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर गए हो एमओएस ज्यादा होने का मतलब है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट को पार करके निकल गए हो एमओ एस का मतलब है ब्रेक इविन पॉइंट के बाद की सेल यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पर आने के बाद की सेल तो एम एस जितना ज़्यादा है इसका मतलब आप ब्रेक इविन पॉइंट से उतना ऊपर चल रहे हो तो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज उतनी ही कम होगी क्योंकि आपके ऊपर बर्डन रिस्क कम हो जाएगा तो ये है रिलेशनशिप ऑफ बी पी एम एस एंड ऑपरेटिंग लीवरेज इनके लिए हमारे पास छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से क्वेश्चन है आ जाइए वो क्यूट क्यूट से क्वेश्चन करते हैं बी क्यू एट बहुत ही सिंपल एग्जाम में दो बार आया है X corporation has estimated that for a new product its break even point two thousand unit if item is sold for rupee fourteen per unit cost accounting department has currently identified variable cost nine rupees per unit अब जो देखिए question ने आपको break even point बता दिया two thousand unit है question ने आपको बता दिया कि sale price fourteen है question ने आपको बता दिया variable cost nine rupees है इससे आप contribution per unit निकाल देंगे हर unit आपको पांच रुपए दे रही है okay कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट व्हाट डू यू इनफर इन यानी आपको क्या कॉन्क्लूजन निकल कर आता है आप क्या समझते हो व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स एंड देयर डिफरेंस इफ एनी ओके तो भैया 2500 यूनिट और 3000 यूनिट पे हमें ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है बीक्यू 8 स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग लीवरेज बच्चों बिल्कुल दी एंड की तरफ है हम लोग एकदम दी एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग और बहुत आगे निकल चुके हो देखेगा 2500 यूनिट्स 3000 यूनिट इन दो यूनिट्स पर यह ब्रेक इवन पॉइंट सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज जानना चाहता है पर्टिकुलर्स सेल्स एट रुपीज फोर्टीन पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट एट रुपीज नाइन पर यूनिट क्या सर हम ऐसे ही प्रेजेंटेशन करें या अपने तरीके से कर सकते हैं बच्चों आप अपने तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं फॉर्मूला आपको पता है कंट्रीब्यूशन यहां पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन में से माइनस होगी फिक्स्ड कॉस्ट और आपके पास आ जाएगा ई बी आई टी ई बी आई टी यहां हम निकाल देंगे ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी और मेंशन कर देंगे ये हमारे पास ओ एल आ जाएगा ठीक है जी निकालते हैं फोर्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड नाइन रुपीज ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड फिक्सड कॉस्ट जरा देखना बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में देख के बताइए ओ फिक्स्ड कॉस्ट तो क्वेश्चन में दी ही नहीं है हुँ हुँ हुँ। अब क्या करें अब क्या करें अरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी हुई कोई कोई जुगाड़ दिया हो ओएल दिया हो ओएल तो पूछा है सीएल दिया हो नहीं जी तो बच्चों कैसे निकालें? ब्रेक इविन पॉइंट दिया है देखिए वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एग्जाम में दो बार आया हुआ क्वेश्चन है ब्रेक इविन पॉइंट कैसे निकालते थे अभी सिखाया था आपको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अच्छा बीपी तो दिया हुआ है टू थाउजेंड यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा आएगा फोर्टीन में से नाइन गए फाइव फाइव सामने चला जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट इक्व टू टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फाइव और ये आ गया आपके पास टेन थाउजेंड रुपीज तो दस हजार रुपए कॉस्ट वर्किंग नोट से निकलेगी जी टेन थाउजेंड की फिक्स्ड कॉस्ट है वर्किंग नोट से निकलेगी टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड जल्दी से बताइए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ई ऑपरेटिंग लिवरेज और यहां पर ऑपरेटिंग लिवरेज फाइव टाइम्स थ्री टाइम्स फाइव टाइम्स थ्री टाइम्स एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया है दो बार आया क्वेश्चन एग्जाम में दोनों बार सिर्फ इतना पूछा गया आगे कुछ नहीं पूछा जो स्टडी मैट है उसके अंदर इन्होंने यह भी पूछा है डिफरेंस इन लिवरेज भी पूछा है और इन्फ्रेंस भी पूछा इन्फ्रेंस यानी कॉन्क्लूजन यानी आप क्या समझे आ जाइए ये मैं कर देता हूं हमारे पास के जी ये हो गया हमारे पास पार्ट वन रिक्वायरमेंट नंबर वन रिक्वायरमेंट नंबर टू में मान लेता हूं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर टू है डिफ्रेंस इन ओ एल तो फाइव टाइम्स थी पहले ओ एल अब टू टाइम्स हो गई सॉरी थ्री टाइम्स हो गई कितना डिफरेंस आ गया टू टाइम्स का डिफरेंस है टू टाइम्स का डिफरेंस है अमाउंट में परसेंटेज में नहीं और थर्ड पॉइंट आप क्या समझे इससे बड़ा सिंपल सी बात है विद इंक्रीज इन सेल्स हमारी सेल 2500 यूनिट से 3000 यूनिट हुई थी विद इंक्रीज इन सेल्स डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रिस्क और एंड ऑपरेटिंग लीवरेज जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी आपके सर पे से रिस्क कम होगा और आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज भी कम हो जाएगी और क्या लिख सकते हैं आपका 2500 पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 2000 फिर 2500 हुई सेल फिर 3000 हुई आपका एमओएस बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑपरेटिंग लीवरेज दे डिक दोनों में से कोई भी एक बात लिख सकते हैं पूरे नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे तो हमने इसमें देखा कि बीपी से से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आप एक चीज देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं घूम फिर के हैं तो बड़े से आसान से थोड़े डिफरेंट डिफरेंट से हैं जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं हम ए टू जेड यहाँ पर खत्म करेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप के इसका एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है हर दूसरे अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है पांच नंबर में दस नंबर में और मतलब बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा बहुत आसानी से देखेगा हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन बीक्यू नाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ये देखिए स्टडी मैट का क्वेश्चन है बच्चों स्टडी मैट का क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज विद द हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लियर बोला है कि ओएल कैसे निकालना है हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बताइए कैसे निकालेंगे वन डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रपोर्शन ठीक है अब जरा देखिए इसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बता दिया सेल प्राइस बता दिया वेरिएबल कॉस्ट बता दिया फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया अब देखिए एक बच्चा जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता वो एग्जाम में क्या करेगा वो लिखेगा सेल फिफ्टी थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट थर्टी थाउजेंड कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड कॉस्ट फाइव थाउजेंड ईबीआईटी कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी और तुरंत क्या करेगा कि सर ओ एल इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टी ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड फोर टाइम्स आ गया सर बेटा एक भी नंबर नहीं मिलेगा एग्जामिनर कांटा मार देगा इस पर एग्जामिनर इस पर लगा देगा कांटा बताओ क्यों लगेगा कांटा क्योंकि जो एग्जामिनर ने मांगा वो तो तुमने दिया ही नहीं छोटी छोटी सी बातें हैं तो बताइए पूरे नंबर कट जाएंगे और कम से कम पांच नंबर में आएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करके दिखाना होगा इस क्वेश्चन में आपको निकालना होगा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाइए बी क्यू नाइन बी क्यू नाइन सबसे पहले आप लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ बी एंड एमओएस आ जाइए बीपी कैसे निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्सड कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर फिक्सड कॉस्ट है क्वेश्चन के अंदर फिफ्टीन थाउजेंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिफ्टी माइनस थर्टी बीस रुपए सेवन फिफ्टी यूनिट है बीपी ओके एमओ एस सेल्स माइनस बीपी बीपी से ऊपर जो भी बिका वो एमओएस सेल कितनी हुई है थाउजेंड यूनिट्स एमओएस कितना है सेवन फिफ्टी यूनिट्स टू फिफ्टी यूनिट्स आ गया जी ओके okay. अब हमें निकालना है फर्स्ट सेकंड एमओएस प्रोपोर्शन एमओएस प्रोपोर्शन वन टू फिफ्टी यूनिट्स बिकी हैं 1000 में से और ये टू फिफ्टी यूनिट एमओ को दिखाती है ऑपरेटिंग है ऑपरेटिंग लीवरेज एस की हेल्प से निकालना है तो वन डिवाइड बाई एम ओ एस प्रपोर्शन उन्ही बच्चों को नंबर मिलेगा जो ये फॉर्मूला लगाएंगे वन डिवाइड बाई पॉइंट टू फाइव इक्व टू उसके जीरो नंबर ठीक है आप समझ रहे हैं किस तरह से चल रहा है क्या गलतियां होती हैं जी सर समझ रहे हैं बहुत अच्छे से हमें आपकी बात समझ में आ रही है बच्चों तुम हो ही इतने इंटेलिजेंट के बस मैं क्या ही बताऊं इधर क्वेश्चन बताओ उधर बच्चा आंसर निकाल देता है इधर क्वेश्चन बताओ उधर बच्चा आंसर निकाल देता है इतने तेज कैसे हो आप ये बताओ मुझे क्या खाते हो सुबह को क्या खाते हो जो इतना दिमाग तुम लोग का तेज चलता है हमारा तो नहीं चलता इतना तेज जब हम पढ़ते थे मुझे तो बड़ा टाइम लगता था चीजें समझने में मतलब ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं मैं इंटेलिजेंट रहा हूं पर अब हम मानते हैं कि जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो सच है तो जब हम पढ़ते थे तो बड़ा टाइम लगता था भाई साहब बातों को समझने और आप लोग ऐसे चुटकियों में बातों को समझ जाते हो एकदम खटक तो क्या खाते हो आप लोग ये दिमाग घर वाले एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है तो हम भूसा थोड़ी खाते हैं हम लोग तो खाना पीना खाते हैं तब तो इंटेलिजेंट है तो आप लोग हैं इंटेलिजेंट देखो कितना तुम लोगों को पैम्पर करता रहता हूं मैं इतना झूठ बोलता हूँ तुम लोगों के चक्कर में ऊपर जाऊंगा तो भगवान जी कहेंगे कि नमिस्तर आपके जो घड़ा है ना वो झूठ से भरा हुआ है लेकिन मैं भगवान जी से कहूंगा भगवान जी ये झूठ मैंने बच्चों के लिए बोले थे उन्हें खुश करने के लिए बोले थे तो भगवान जी भी मेरे को स्वर्ग में भेज देंगे कि हाँ सर आप स्वर्ग की ओर जाइए आप अच्छे आदमी हैं जी आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन हमने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के साथ डाल दिया है क्वेश्चन में तो दम नहीं है प्रीफरेंस शेयर में बस आपको क्या करना है एफ uh, एल जब निकालेंगे या सी एल निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई ई बी आई टी माइनस पी डी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स करेंगे आ जाइए सेल्स दी है वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्सड कॉस्ट ई बी आई टी इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रिफ्रेंस डिविडेंड ये सब कुछ हमें दिया है कंपनी हैज फोर लैक इक्विटी शेयर इशू टू शेयर होल्डर ओके फाइंड आउट एक एक करके चीज देखते हैं फॉर्मूले लिखते हैं निपटाते हैं आ जाइए बी क्यू टेन क्यू 10. सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टी क्वेश्चन में देखो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फोर्टी लैख EBIT देखो कितना दिया हुआ है 20 लाख टू टाइम्स सेकंड फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है बताइए फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालेंगे EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस PD डी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स 20 लाख ,00 EBT कितना है फिफ्टीन लैख प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स प्रीफरेंस डिविडेंड कितना है ढाई लाख पंद्रह लाख बारह लाख पचास हजार ट्वेल्व फिफ्टी और ट्वेंटी लैख डिड बाई टी वन पॉइंट सिक्स

अब ट्वेंटी लैख डिवाइड बाई वन थ्री 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 वन पॉइंट फाइव टाइम्स ओके ये आगे सेकंड पॉइंट तीसरा पूछ रहा है कंबाइंड लीवरेज लॉजी कंबाइंड लीवरेज तो हम चुटकियों में सिखा देंगे कंबाइंड लीवरेज ओएल इनटू एफएल एल टू मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट फाइव थ्री टाइम्स और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बताइए ये सब तो हमने आपको बता दिया जी हां कुछ और भी पूछना चाहते हैं फोर्थ पॉइंट ये नोट करिए दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों एफ के अंदर बारह चैप्टर और इकोनॉमिक्स के अंदर चार चैप्टर ठीक है तो सेकंड चैप्टर खत्म होने वाला है आ जाइए कह रहे हैं वॉट वुड बी द अर्निंग पर शेयर इफ द सेल्स लेवल इंक्रीज बाय टेन परसेंट एंड ईपीएस इफ सेल्स लेवल डिक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट तो सेल को और ईपीएस को इंक्रीज लिंक किया है ईपीएस और सेल लिंक की गई बताइए ईपीएस और सेल किससे कनेक्टेड होते हैं कंबाइंड लीवरेज से ठीक है अब ये कह रहे हैं ईपीएस कितना होगा तो पहले तो आपको अभी का ईपीएस निकालना पड़ेगा अभी का ईपीएस पी देखिए कितना है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है प्रीफरेंस डिविडेंड है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है और नंबर ऑफ शेयर है तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमाई है एट लैख और नंबर ऑफ शेयर है फोर लैख तो अभी का ईपीएस हो गया दो आ जाइए पॉइंट नंबर फोर ई पी एस इफ सेल्स इंक्रीज बाई टेन परसेंट पहला पॉइंट यही है ठीक है न्यू ई पी एस टू एक्जिस्टिंग ईपीएस प्लस टेन परसेंट मल्टीप्लाई बाई कंबाइंड लीवरेज देखिए कितनी थ्री तो अगर सेल टेन परसेंट बढ़ी है कंबाइंड लीवरेज है थ्री टाइम्स सेल टेन परसेंट बढ़ी है तो ईपीएस थर्टी परसेंट बढ़ेगा लेकिन एग्जिस्टिंग ईपीएस उसके लिए पता होना चाहिए ओके ईपीएस इफ सेल्स डिक्रीज बाई 20% न्यू ईपीएस एग्जिस्टिंग ईपीएस माइनस ट्वेंटी परसेंट इंटू थ्री तो अगर सेल ट्वेंटी परसेंट कम हुई है तो ईपीएस थ्री टाइम्स सिक्सटी परसेंट कम होगा लेकिन उसके लिए एग्जिस्टिंग ईपीएस पता होना चाहिए वर्किंग नोट एग्जिस्टिंग ईपीएस इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप लोग को एक बात मालूम है आप लोगों की राइटिंग स्पीड इंप्रूव होने वाली है एग्जाम के लिए अब हाँ जी एट लैख डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स फोर लैख रुपीज टू तो एग्जिस्टिंग ईपीएस है दो रुपए एग्जिस्टिंग ईपीएस दो रुपए है अब निकालिए इंक्रीज और डिक्रीज होकर कितना कितना हो जाएगा रुपीज टू प्लस थर्टी परसेंट टू पॉइंट सिक्स जीरो टू पॉइंट सिक्स जीरो रुपीज टू माइनस सिक्सटी परसेंट रुपीज जीरो पॉइंट एट जीरो डन डन लीवरेज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए तुम लोग खटाखट इतनी तेज तेज काम कर रहे हो आ जाओ बी क्यू इलेवन बी क्यू 11 देखिएगा अब फर्म हैज सेल्स ऑफ 75 लाख वेरिएबल कॉस्ट इज 56% फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख इट है डेट ऑफ 45 लाख एट 9% इक्विटी फंड 55 लाख अमाउंट दी हुई है तो इसका मतलब इक्विटी कैपिटल 55 लाख रुपए नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है व्हाट इज द फर्म्स आरओआई फर्म की आरओआई फर्म कंपनी को बोलते हैं एफ के अंदर कंपनी को फर्म लिखा जाएगा फर्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए अगर इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न पूछी जाए तो ऊपर रखते हैं इक्विटी की कमाई नीचे रखते हैं इक्विटी का फंड अगर फर्म का आर पूछा जाए तो ऊपर रखा जाता है फर्म की कमाई फर्म अर्निंग और नीचे रखा जाता है फर्म का फंड फर्म्स फंड वैसे तो रेशो चैप्टर में आएगा ये पर कोई दिक्कत नहीं आप लोग इसके एक्सपर्ट हैं ईबीआईटीपीएस में भी आपने किया था ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं आपसे तो आपको करना क्या है ई रखना है ऊपर ये फर्म की कमाई है पूरी कंपनी की कमाई और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन आ जाएगा डिवेंचर का पैसा और इक्विटी का पैसा तो डिवेंचर और इक्विटी का पैसा रख देंगे तो ये निकाल लेंगे हम लोग ई इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज अरे ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं बच्चों यही है लास्ट कंसेप्ट अभी देखते हैं इसको इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज़ कैपिटल टर्न ओवर थ्री ये आगे के और कुछ कुछ पॉइंट हैं ये जो बच्चों बीक्यू इलेवन है ना इसके अंदर सब कुछ है इसके अंदर कुछ बचा नहीं है जितने भी पॉइंट हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे आ जाइए कंसेप्ट नंबर इलेवन इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन इक्विटी शेयर होल्डर आ जाइए हाँ फाइनेंशियल लिवरेज कब क्रिएट होती है बच्चों फाइनेंशियल लिवरेज तब क्रिएट होती है जब आप पैसा या तो डिवेंचर से मंगवाते हो या तो फिर आप पैसा प्रीफरेंस शेयर होल्डर से मंगवाते हो तो अगर आपने पैसा डिवेंचर से या प्रिफरेंस शेयर होल्डर से मंगवाया है तो फाइनेंशियल लीवरेज क्रिएट हो जाएगी अब जरा देखिए आराम से सोचना देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूं लिखनी हमें सिर्फ सिचुएशन है ठीक है आराम से देखना आप लोग नोट मत करना ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं आप नोट मत करना ये देखिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड ठीक है उसको हंड्रेड करोड़ की जरूरत है उसने सारा पैसा इक्विटी से मंगवाया ठीक है सामने से जो रिटर्न आ रही है ईबीआईटी वो आ रहा है मान लो फिफ्टीन परसेंट तो हंड्रेड करोड़ लगा के फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन करोड़ आया होगा ठीक है मैं मान लेता तो हूं कोई टैक्स नहीं है कोई टैक्स नहीं है समझने के लिए आसान रहेगा तो बताओ इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न कितनी मिल गई फिफ्टीन परसेंट अवजय देखिए ऑप्शन वन ऑप्शन टू इक्विटी ने पैसा लगाया सिक्सटी करोड़ और 40 करोड़ मंगवाया डेट से ठीक है अब मैं यहाँ पर डेट का रेट लिख रहा हूँ डेट से पैसा आया 12 परसेंट पर 15 परसेंट पर 20 परसेंट पर तीन केस मैंने लिख लिए तो मैं डेट से पैसा मंगवा रहा हूँ ट्वेल्व पर फिफ्टीन पर ट्वेंटी पर ओके अब ज़रा देखिए अब क्या होगा आगे से कमाई आई फिफ्टीन करोड़ यानी आगे से 15 परसेंट कमाई आई पैसा कितना है दोनों का मिलाकर 100 करोड़ ओके okay. अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बात बता रहा हूं ऊपर वाले केस में क्या है हंड्रेड करोड़ सारे इक्विटी ने लगाए पंद्रह यानी फिफ्टीन करोड़ उन्हें मिल गया ओके okay. दूसरा केस इक्विटी ने डेट के साथ मिलकर लगाए हैं मैं बता दूं आपको यहाँ पर कोई फाइनेंशियल लीवरेज नहीं है नो फाइनेंशियल लीवरेज ना कोई इंटरेस्ट है ना कोई प्रिफरेंट डिविडेंड ना कोई लीवरेज आएगी ईबीआईटी और ईबीटी दोनों सेम होंगे ईबीआईटी भी फिफ्टीन करोड़ और ई भी

हंड्रेड करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इस हंड्रेड करोड़ के इन्वेस्टमेंट में दो लोग हैं सिक्सटी करोड़ इक्विटी का फोर्टी करोड़ डिवेंचर का ओके रिटर्न पंद्रह परसेंट है तो मैं आपको बता दूं ये पंद्रह करोड़ दो लोगों के पैसे से आया हंड्रेड करोड़ पर फिफ्टीन करोड़ यानी फिफ्टीन परसेंट तो सिक्सटी करोड़ पर कितना नाइन करोड़ फोर्टी करोड़ पर कितना सिक्स करोड़ क्या मैं कह सकता हूं कि नाइन करोड़ की अर्निंग इक्विटी के फंड पर है और सिक्स करोड़ की अर्निंग डिवेंचर के फंड पर है यह हुआ तो आपने हंड्रेड करोड़ लगाए सिक्सटी इक्विटी ने फोर्टी डेट ने हंड्रेड करोड़ पर फिफ्टीन परसेंट रिटर्न आई फिफ्टीन करोड़ फिफ्टीन करोड़ में सिक्सटी करोड़ का फिफ्टीन परसेंट नाइन करोड़ फोर्टी करोड़ का सिक्सटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट सिक्स करोड़ हो गया तो इन दोनों का इतना इतना पैसा है तो नाइन करोड़ सिक्स करोड़ हुए ओके अब जय देखो इक्विटी को अपने नाइन करोड़ अगर मिल जाए इक्विटी को नाइन करोड़ मिल जाए तो बताओ उनको रिटर्न कितनी मिली फिफ्टीन परसेंट रिटर्न मिल गई ठीक है अब जरा देखिए होगा क्या इक्विटी को चाहिए अपने नाइन करोड़ फिफ्टीन परसेंट यहां भी फिफ्टीन परसेंट मिल रहे थे लेकिन ऐसा होगा नहीं देखो डिवेंचर को हमने कितने पे ले लिया बारह परसेंट पर तो आप देखिए डिवेंचर फोर्टी करोड़ पर बारह परसेंट फोर पॉइंट एट करोड़ का इंटरेस्ट मांगेंगे 4.8 करोड़ का इंटरेस्ट मांगेंगे लेकिन उनके लिए अवेलेबल पैसा कितना है कमाई तो ज्यादा है कमाई तो 15 परसेंट है अवेलेबल पैसा है 6 करोड़ अब बताइए 1.2 करोड़ जो है ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर टू इक्विटी ये इक्विटी को मिल जाएगा यानी इक्विटी शेयर होल्डर को इस केस में फिफ्टीन से एक्स्ट्रा मिलेगा उन्हें नाइन करोड़ नहीं मिलेंगे उन्हें मिलेंगे टेन करोड़ नाइन करोड़ अपने और 1.2 करोड़ इनके कितने रुपए लगाकर 60 करोड़ क्या मैं कह सकता हूं इक्विटी को मजा आ गया अपना भी मिला डिवेंचर का भी मिल गया इन्हें 17 परसेंट रिटर्न मिल गई 17 परसेंट रिटर्न ये कौन सी सिचुएशन है जब इंटरेस्ट का रेट कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर तो आर वाई इंटरेस्ट है ट्वेल्व परसेंट अच्छा दूसरा केस दूसरा केस है कि डिवेंचर पंद्रह परसेंट पर है यानी इंटरेस्ट और आर एक बराबर है तो बताइए ये कितना मांगेंगे फोर्टी करोड़ पर फिफ्टीन परसेंट ये सिक्स करोड़ मांगेंगे और इनके लिए अवेलेबल पैसा भी सिक्स करोड़ है इक्विटी e को यहां से अब कुछ नहीं मिलेगा यानी इक्विटी e को अपने नाइन करोड़ फिफ्टीन मिलेगा बस तो इक्विटी e को फायदा हुआ या नुकसान हुआ आंसर ही ना फायदा ना नुकसान इसी को कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट यही आपने ई e बी e में पढ़ा है एस इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब इक्विटी e को यहां पर या यहां पर दोनों केस में सेम रिटर्न मिल रही है वो कब होता है जब आर और इंटरेस्ट एक बराबर होते हैं तीसरी सिचुएशन है वर्ष सिचुएशन हमने डिवेंचर को कमिटमेंट कर दिया ट्वेंटी परसेंट का तो वो फोर्टी करोड़ पे ट्वेंटी परसेंट एट करोड़ मांगेंगे उनके लिए पैसा कितना है सिक्स करोड़ मैं आपको बता दूं नेगेटिव टू करोड़ हो गया इसका मतलब हमने कमाया तो सिक्स करोड़ है लेकिन इनको देना एट करोड़ पड़ेगा क्योंकि डिवेंचर से जो रेट तय हो जाता है वही देना पड़ता है अब बताइए टू करोड़ कौन देगा ये टू करोड़ में आपको बता दू ये टू करोड़ इनके में से माइनस होगा तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ सेवन करोड़ मिलेंगे और रिटर्न फिफ्टीन परसेंट से कम होगी अब बताइए सेवन करोड़ मिले सिक्सटी करोड़ लगाकर सेवन डिवाइडेड बाई सिक्सटी इलेवन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट ये है इंटरेस्ट इज हायर देन आर ओ आई अब आपसे पूछा जाएगा कि लीवरेज इफेक्ट बताओ बड़ा सिंपल सा है लीवरेज इफेक्ट यह देखिए लीवरेज इफेक्ट है अगर इंटरेस्ट आर ओ आई से कम है तो फेवरेबल इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होगा अगर बराबर है इंडिफरेंस। और अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो अनफेवरेबल क्योंकि अब इक्विटी का भी पैसा ये मांगेंगे देखेगा लिखेगा इफेक्ट Of FL in case of debt situation effect, situation one rate of interest age. इंटरेस्ट कम है आर ओ आई से कमाई ज्यादा पेमेंट कम तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फेवरेबल फेवरेबल इफेक्ट रहेगा क्योंकि उनका कुछ बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्व टू आर ओ आई यानी फिफ्टीन परसेंट ही नहीं चाहिए और फिफ्टीन परसेंट ही मिल रहा है तो इनडिफरेंस न्यूट्रल इफेक्ट ओके और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है आर ओआई से तो अनफेवरेबल इफेक्ट अनफेवरेबल इफेक्ट बड़ा सिंपल है ये बी इफेक्ट ऑफ एफ एल केस ऑफ प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल सेम प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल का है बिल्कुल सेम यही सिचुएशन इफेक्ट फर्स्ट रेट ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंड सेकंड रेट ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंड थर्ड रेट ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंड लोअर देन इक्व टू एंड हायर देन अब जरा देखिए कंपेयर किससे करना है आर से कंपेयर कर रहे हो ना आर होनी चाहिए आफ्टर टैक्स तो इसको आफ्टर टैक्स से कंपेयर किया जाता है आफ्टर टैक्स से क्यों कंपेयर किया जाता है क्योंकि प्रिफरेंस डिविडेंड भी आफ्टर टैक्स होता है तो मैचिंग होनी चाहिए दोनों आफ्टर टैक्स होने चाहिए तो अगर आफ्टर टैक्स इनकम से पीडी का रेट कम है तो फेवरेबल है क्योंकि बचा हुआ पैसा इक्विटी को मिल जाएगा इक्वल है तो इनडिफरेंस और अगर रेट ऑफ पी हायर है तो अनफेवरेबल इक्विटी को कुछ अपना इन्हें देना पड़ेगा कंसेप्ट खत्म कंसेप्ट खत्म वन बाई वन अब एक एक चीज देखते हैं बीक्यू क्यू ट्वेल्व बीक्यू इलेवन के आ जाइए बीक्यू इलेवन बीक्यू इलेवन में क्वेश्चन हमसे क्या कहता है आ जाओ भाई सेवेंटी फाइव लैक की सेल वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टी सिक्स फिक्स कॉस्ट इतना डेट इतना नाइन परसेंट इक्विटी इतना वॉट इज द फर्म्स आर ओ आई पॉइंट नंबर वन फर्स्ट पॉइंट आर ओ आई ऑफ द फर्म इक्व टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100 सर हमें तो ई पता ही नहीं है वर्किंग नोट यहां इसका आंसर आएगा इनटू टू हंड्रेड वर्किंग नोट ई इक्वल आई टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स सेवेंटी फाइव लैख वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव लैख फिक्सड कॉस्ट सिक्स लैख यह आ गया ई बी आई टी ट्वेंटी सेवन लैख ट्वेंटी सेवन लैख ई बी आई टी कैपिटल एम्प्लॉयड पैसा कितना कितना फोर्टी फाइव लैख डेट का और फिफ्टी फाइव लैख इक्विटी का वन करोड़ लगा हुआ है ट्वेंटी सेवन परसेंट पॉइंट नंबर वन ट्वेंटी सेवन परसेंट बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सेकंड पॉइंट ट इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और नॉट बहुत सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना है नाइन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाइन परसेंट विच इज लोअर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी सेवन परसेंट इसका मतलब हम आगे से कमाते कितना है ट्वेंटी सेवन और डिवेंचर को सिर्फ कितना देते हैं नाइन परसेंट तो बताइए क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाइन परसेंट विच इज लोअर देन आर ओ एट ट्वेंटी सेवन परसेंट कंपनी और फर्म हैड फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज ओके पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री होज़ कैपिटल टर्न ओवर इज थ्री कैपिटल टर्न ओवर होता है सेल्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉय डज इट हैव अ हाई और लो कैपिटल टर्न ओवर आ जाइए पहले हमें निकालना होगा कैपिटल टर्न ओवर कैपिटल टर्न ओवर इक्व टू सेल्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड जरा देखिए सेल कितनी है 75 फाइव लैख कैपिटल कितनी है वन करोड़ कैसे वन करोड़ कैसे फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव सेवेंटी 0.75 टाइम्स इंडस्ट्री का कितना है थ्री टाइम्स सिर्फ आपको यह बताना है कि हाई टर्नओवर है या लो तो यह कंपनी या फर्म है लोअर कैपिटल टर्नओवर देन इंडस्ट्री ओके ये सब पॉइंट तो सर हम पहली बार कर रहे हैं बेटा जितने भी पॉइंट बचे हुए हैं ना सारे पॉइंट इसमें डाल दिए हैं कैपिटल टर्न वैसे रेशो में आता है लीवरेज के साथ ही पूछा जाता है तो बिल्कुल रखना तो हमारा फर्ज बनता है क्वेश्चन का पॉइंट नंबर फोर वॉट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज आ जाइए ये तो हम करते करते थक चुके इसको एबीसी में बांट देता हूं फोर्थ का ऑपरेटिंग लिवरेज, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी कॉन्ट्रीब्यूशन सेल है सेवेंटी फाइव लैख वेरिएबल कॉस्ट है फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव लैख या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन ई बी आई टी ऑलरेडी निकाला था अभी ट्वेंटी सेवन लैख टी थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी सेवन वन पॉइंट टू टू बार टाइम्स ओ एल आ गया बी एफ एल फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड बाईटी ईबीआईटी है ट्वेंटी सेवन लेख ईबीटी कैसा आएगा इंटरेस्ट माइनस कर दो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कितना है नाइन परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव लैख आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो एक एक स्टेटमेंट भी बना सकते हो फोर्टी फाइव लैख इंटू नाइन परसेंट फोर लैख फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी सेवन लैक ट्वेंटी टू लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी सेवन लैख डिवाइड बाई ट्वेंटी टू नाइनटी फाइव वन पॉइंट वन सेवन सिक्स फोर तो वन पॉइंट वन एट कर देते वन पॉइंट वन एट टाइम्स दो या तीन पॉइंट तक आप निकाल सकते हैं एग्जाम में दो या तीन पॉइंट तक सी कंबाइंड लीवरेज। ओ एल इंटू एफ एल वन पॉइंट टू टू वैसे तो टू टू बार है वन पॉइंट वन सेवन सिक्स यहां पर हमने वन एट ले लिया है वन पॉइंट टू टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट वन एट 1.4396 44 कर रहा हूं 1.44 टाइम्स कंबाइंड लीवरेज भी आ गई आ जाओ भैया फिफ्थ सेल्स इंक्रीज बाई टेन परसेंट वोट परसेंटेज ई बी आई टी विल इंक्रीज सेल्स और ई बी आई टी को पूछ रहा है और सिंपली सिर्फ ये पूछ रहा है कितने परसेंट बढ़ेगा आ जाइए परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी इक्व टू परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स बताइए लिंक कौन बनाएगा ईबीआईटी और सेल का ओएल ये भैया टेन परसेंट बड़ा है ओएल है वन पॉइंट टू 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 है पर हम वन पॉइंट टू टू ही ले रहे हैं, तो ये बढ़ेगा भैया ट्वेल्व पॉइंट टू परसेंट ट्वेल्व पॉइंट टू परसेंट इसके बाद में क्वेश्चन का पॉइंट नंबर सिक्स पॉइंट नंबर सिक्स आखिरी क्वेश्चन चल रहा है बच्चों ये चैंपियन हो गए तुम लोग चैंपियन आ जाओ एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स कितनी सेल पर ई बी टी ऑफ द फर्म विल बी जीरो तो कितनी ई बी टी जीरो आपको ऐसे में क्या करना होता है ऐसा खूब पूछता है कितनी सेल पर ईपीएस जीरो होगा कितनी सेल पर ई बी आई टी जीरो होगा कितनी सेल पर ये जीरो होगा वो जीरो होगा दोनों को सामने रख दो कैसे किसको जीरो किया गया है पहले उसको रखो ई बी टी को जीरो किया गया है ओके क्या पूछा गया है कहा गया है कितनी सेल्स पर तो अब ईबीटी इक्व टू सेल से शुरू करो सेल इसमें से वेरिएबल कॉस्ट गई कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट गया ईबीआईटी इंटरेस्ट गया ईबीटी बस रुक जाओ अब देखिए क्या होगा ईबीटी पर जीरो ईबीटी पर कितनी सेल होगी ये क्वेश्चन मार्क था तो करना क्या होता है एक तरफ वो रखिए जो जीरो करना है दूसरी तरफ उससे रिलेशन अगर पूछा जाता है जीरो होगी तो मैं यहां रखता EBIT और फिर यहां चालू कर देता तो दोनों को आमने सामने रख के किया जाता है बड़ा सिंपल सा होता है अब कुछ नहीं करना आपको ये जो ई बी टी है इसको आप रख लो जीरो सेल्स ऊपर वाली मत लिख देना सेवेंटी फाइव लैख सेल तो क्वेश्चन है कि कितनी सेल पर तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी सिक्स लेख माइनस इंटरेस्ट कितना था फोर लेख फाइव थाउजेंड ओके अब जीरो इक्व टू फोर्टी फोर परसेंट सेल्स माइनस टेन लैख फाइव थाउजेंड टेन लैख फाइव थाउजेंड सामने जाके पॉजिटिव हो गया फोर्टी फोर परसेंट सेल्स इक्व टू टेन लैख फाइव थाउजेंड सेल्स इक्व टू टेन लैख फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर परसेंट डिवाइड फोर परसेंट ट्वेंटी टू एटी फोर जीरो नाइन जीरो पॉइंट नाइन वन इतने रुपए की सेल पर आपका ईबीटी बी जीरो हो जाएगा ओके okay. लास्ट पॉइंट बचा है बच्चो बस लास्ट पॉइंट बचा है चैंपियन हो गए तुम लीवरेज के हो गया काम एग्जाम में पांच से दस नंबर कंफर्म हो गए तुम्हारे समझ रहे हो आ जाओ इफ ई बी आई टी इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट वोट परसेंटेज ई बी टी विल इंक्रीज अरे सर ये तो ऐसा पॉइंट है जो हमने आज तक नहीं पढ़ा ई बी आई टी से ई पी एस का रिलेशन तो पढ़ा है लेकिन EBIT से ईबीटी का रिलेशन नहीं पड़ा यह नई चीज सामने आ गई आ जाओ भैया अब जरा देखो आराम से मेरी बात को सुनना आप लोग देखो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई थी ये देखिए मैंने रिलेशनशिप बताई थी सेल से पहले ही बी की अब जरा आप आराम से समझिए सेल्स या ई बी की रिलेशन जो आपको बताई थी फॉर्मूला क्या लगाया था फॉर्मूला लगाया था कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी तो मैं आपको बता दूं ये सेल से रिलेशन कैसे बन जाती है बेसिकली ये कॉन्ट्रीब्यूशन ये वेरिएबल कॉस्ट और ये सेल तीनों एक ही जैसे हैं एक ही रेशों में बढ़ेंगे आराम से देखिए सेल पच्चीस बढ़ी है आप चेक करिए वेरिएबल कॉस्ट भी पच्चीस बढ़ी होगी कॉन्ट्रीब्यूशन भी पच्चीस बढ़ा होगा यानी जो सेल से ईबीआईटी का रिलेशन है वही वेरिएबल कॉस्ट से ही है वही कॉन्ट्रीब्यूशन से भी है ये सिखाने के लिए सिखाया जाता है कि सेल से है क्योंकि सबसे टॉप में वही होता है ऐसे ही दूसरे में मैंने आपको सिखाया था ईबीआईटी से ईपीएस का रिलेशन अब मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या लगाया था ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी अब मैं आपको बता दूं जितना ई पी एस बढ़ा है उतना ही अर्निंग फॉर इक्विटी बढ़ता है उतना ही अर्निंग आफ्टर टैक्स बढ़ता है उतना ही टैक्स बढ़ता है उतना ही ई बी टी भी बढ़ता है बेसिकली नीचे के सारे वेरिएबल हैं लेकिन बताया कौन सा जाता है जो लास्ट बॉर्डर पे होता है तो ई बी आई टी और ई पी एस का जो रिलेशन है वही ई बी आई टी और ई बी टी का भी रिलेशन होता है तो ये चीज हमें आज पता चली इस लास्ट क्वेश्चन में पहुंच के अब जरा देखिए इफ ई इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट वॉट परसेंटेज ऑफ ई विल इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन ई बी इक्व टू परसेंटेज इंक्रीज इन ई मल्टीप्लाई बाई एफ एल नॉट लिख लेंगे अभी तो इसकी परसेंटेज ये बढ़ा रहे हैं ट्वेंटी परसेंट एफ कितना है वन 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 पॉइंट 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 था एट एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट अप्रोक्स कोई दिक्कत नहीं पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको नोट रिलेशनशिप टवीन ई बी आई टी एंड ईपीएस एंड ई बी आई टी एंड इक्व टू लिख देता हूं इक्व टू ईबीआईटी एंड ईबीटी इनकी रिलेशनशिप सेम होती है ठीक है जी ये हमारे पास लीवरे चैप्टर पूरी तरह से खत्म इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन है पास्ट ईयर क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये तो एग्जाम में बहुत पूछा जाने की वजह से पास्ट ईयर क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे लेकिन जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो ए टू जेड सारे के सारे आपके किए हुए क्वेश्चन हैं मैं वन बाई वन आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और ये सारे ही क्वेश्चन होमवर्क में आपके पास रहेंगे देखेगा पी वाई क्यू वन से शुरू कर रहे हैं होमवर्क में हैं सारे एक बार लेकिन डिस्कस कर लेते हैं देखिएगा पीवाई क्यू वन कंपनी दे दी शेयर कैपिटल डिवेंचर ये आउटपुट दे दिया सेल प्राइस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट ओ एल एफ एल सी एल पूछा है होमवर्क लड्डू क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन यानी बहुत ही आसान चार से पांच नंबर में आते हैं पीवाई क्यू टू बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन था हमारे पास तो इसके अंदर बैलेंस शीट दी जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट बता देंगे वेरिएबल कॉस्ट बता देंगे एसेट टर्नओवर रेशो बता देंगे इनकम टैक्स और चार चीजें पूछेंगे ईपीएस ओएल, एफएल और सीएल, आठ से दस नंबर में आ जाता है और हमने जो इसका किया है अपने पास बुक में हमने इसके अंदर ये चारों चीजें तो निकाली ही निकाली है बैलेंस शीट में साथ में हमने इसका पहला पॉइंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज और ईपीएस साथ में हमने ये भी निकाला है कि कितना लेवल ईबीआईटी का होगा अगर ईपीएस एक रुपया हो दो रुपया हो नील हो तो तो हमने इससे बड़ा क्वेश्चन किया एग्जाम में ये सिर्फ पहला पार्ट ही इसका आता है ठीक है ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो गया आपका इसके बाद में हमारे पास में पीवाई क्यू थ्री पी वाई क्यू थ्री के अंदर आपको ओएल मिल जाएगा सीएल मिल जाएगा इससे आप एफ एल निकाल लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट दे दी सेल दे दी डिवेंचर दे दिए इक्विटी इनकम टैक्स क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछेगा फाइनेंशियल लिवरेज पूछेगा निकाल दी पहले पॉइंट में पीवी वी रेशो पूछेगा पीवी वी रेशो के लिए आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ओएल से ओएल से कॉन्ट्रीब्यूशन निकालिएगा और उसको डिवाइड करिएगा सेल से सेल गिवन है तो आपके पास पीवी वी रेशो आ जाएगा ईपीएस आपको सिंपली निकालना आता है इफ कंपनी बिलोंग टू एन इंडस्ट्री हुट टर्न ओवर वन डू वी हैव हाई और लो एसेट टर्न तो एसेट टर्न कैसे निकलेगा सेल्स डिवाइडेड बाई एसेट्स सेल डिवाइड बाई एसेट इस क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट्स नहीं मिलेंगी आप चेक कर लीजिए आपको एसेट्स नजर नहीं आएंगी इस पूरे क्वेश्चन में एसेट नहीं है तो एसेट नहीं है तो हमें इंफॉर्मेशन ना होने पर यह मानना पड़ेगा कि जितनी लाइबिलिटी होंगी उतनी ही हमारी एसेट होंगी लाइबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है डिवेंचर है इक्विटी है तो जितना इक्विटी और डिवेंचर होगा उतनी ही एसेट्स भी होंगी ये एजम्शन मानकर यह क्वेश्चन बनेगा तो एसेट्स आप कितनी रखेंगे

इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा और कुछ लीवरेज बता देगा और आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगेगा इनकम स्टेटमेंट ठीक है इसके बाद में हमारे पास फाइव लड्डू क्वेश्चन कुछ ही नहीं है इसमें लड्डू क्वेश्चन सारी फिगर दी है और लीवरेज पूछा है इसलिए वेटेज भी कम है सिक्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आ गया कि हमारी कैपेसिटी इतनी है दो सिचुएशन और दो प्लान टू सिचुएशंस एंड टू प्लेन्स ये वो वाला क्वेश्चन आ गया इसमें हम चार कॉलम बना लेंगे और वन बाय वन निकालते चले जाएंगे सेवेंथ फिर से बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन इसमें क्या होगा वही बैलेंस शीट दी नीचे एसेट टर्नओवर फिक्स्ड एसेट्स ये सारी चीजें क्या क्या पूछेगा आपसे ईपीएस और कंबाइंड लीवरेज पूछा है नंबर दे दिए दो चीजों के आठ नंबर भाई साहब थोड़ा ज्यादा पूछ लो बच्चों को ऐसे भी नंबर मत बांटो क्योंकि बच्चों को लगने लगे कि सर बस अब तो हम पास हो गए मुझे आगे भी बच्चों को और चैप्टर करवाने हैं अगर ये ऐसे करेंगे तो बच्चे तो कहेंगे सर पहले एक चैप्टर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा सर चालीस नंबर तो ये हो गए इको में आप दिलवाई दोगे तीस तो सत्तर नंबर का काम हो गया अब बाकी के एफ एम क्यों पढ़े तो एग्जामिनर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इतने आसान क्वेश्चन बच्चों से मत पूछिए हमारे बच्चे इसे चुटकियों में बना देंगे तो बहुत ही ज्यादा नंबर दे दिए गलत किया कोई बात नहीं पी वाई क्यू एट बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन वो ब्रेक ब्रेकविन वाला क्वेश्चन बीपी दे दिया ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट हमारे वाले क्वेश्चन में टू थाउजेंट यूनिट था सेल प्राइस फोर्टीन और नाइन रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड यूनिट पर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है हमने इन्फ्रेंस भी निकाला था कि भाई हम कॉन्क्लूजन क्या समझते हैं इसे कि इंक्रीज इन सेल के साथ ऑयल कम होगा वो इन्होंने नहीं पूछा तो ये हो गया बीपी क्वेश्चन question. तो क्वेश्चन के टाइप सेट हैं हमारे पास जितने बी क्यू में है वही पी वाई क्यू में मिलेंगे आपको फिर आपके पास आ गया ये इक्विटी बॉन्ड सेल फिक्स एसेट फाइनेंशियल लीवरेज दे दी पी वी रेशो दे दिया इनकम टैक्स दे दिया ऑपरेटिंग कंबाइंड और अर्निंग पर शेयर दे रहे हैं होमवर्क ठीक क्वेश्चन है कोई खास इसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेगा इसके बाद में हमारे पास पी वाई क्यू टेन लड्डू क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ भी करने वाला नहीं है ओके इलेवेंथ फिर से बैलेंस शीट आ गई भैया बैलेंस शीट क्वेश्चन ओके वही सारी इंफॉर्मेशन फिर आपके पास में ये क्वेश्चन चेंज इन हमारे पास ओ एल एफ एल सी एल का एक फॉर्मूला होता था चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन समथिंग उससे हमारे पास आ जाता था तो इन्होंने क्या दे दिया यहां पर चेंज इन सेल्स दे दिया तो डेल्टा सेल्स आ गया यहां पर चेंज इन ईबीआईटी दे दिया डेल्टा ईबीआईटी आ गया और यहां पर चेंज इन ईपीएस दे दिया तो डेल्टा ईपीएस आ गया तो हम चेंज इन सेल्स चेंज इन ईबीआईटी चेंज इन ईबीआईटी चेंज इन ईपीएस इससे हम अपनी लीवरेज निकालेंगे इसको क्वेश्चन को बनाने में एग्जामिनर ने गलती की है दो तीन बार पूछा है गलती क्या की है इन्होंने कुछ लीवरेज ना वन से कम कर दी लीवरेज कभी भी वन से कम नहीं हो सकती जैसे कि मान लो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पांच लाख है ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट मेरी जीरो है तो मेरा ईबीआईटी बी वन आएगा ईबीआईटी बी आई फाइव लैख आ गया अब मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आ गई फाइव लैक डिवाइड बाई फाइव लैक इक्व टू वन बताइए वन से कम कब मेरी लीवरेज हो पाएगी वन से कम तब हो जाएगी जब फिक्स्ड कॉस्ट नेगेटिव हो क्या फिक्स्ड कॉस्ट नेगेटिव हो सकती है यानी मैं किराया दे नहीं रहा मुझे किराया मिल रहा है यानी मैं इंटरेस्ट दे नहीं रहा लोगों ने मुझे लोन भी दिया है और लोग मुझे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एग्जामिनर की गलती है लीवरेज कभी भी वन से कम नहीं होती ओके लीवरेज नेगेटिव हो सकती है नेगेटिव कब हो सकती है जब आपकी इनकम जैसे फिक्स्ड कॉस्ट मान लो सेवन लैख हो तो यहां पर टू लैक हो जाएगा ऐसे में इसको कहते हैं नेगेटिव लीवरेज ये पॉसिबल है इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आते नेगेटिव लीवरेज का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप नुकसान में चल रहे हो दैट्स इट जब भी नेगेटिव लीवरेज आएगी आप नुकसान में हो और जब भी पॉजिटिव लीवरेज होगी वन इसका मतलब आपके ऊपर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है ये देखिए अगर मैं यहां पर कर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो तो आपके पास ये आ गया फाइव लाख इसका मतलब अगर आपकी लीवरेज वन है तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है अगर आपकी लीवरेज वन से ज्यादा है जैसे कि यहां पर मैं कर दू टू लेख और जाए थ्री लेख तो फाइव लैख डिवाइडेड बाई थ्री लेख डिड बाई थ्री वन पॉइंट सिक्स तो वन से ऊपर है, इसका तुम्हारे फिक्स बर्डन है. वन है फिक्स बर्डन बर्डन यानी नहीं है अगर आपकी लीवरेज कभी नेगेटिव है, जैसे मान लो सेवन लैक हो गया आंसर लीवरेज का मतलब है, आप नुकसान में हो तो रिस्क एनालिसिस की टेक्निक है लीवरेज लीवरेज बताती है कि आपके ऊपर कितना बर्डन है तो नेगेटिव लीवरेज बताती है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है कि आप लॉस में चल रहे हैं ओके तो इन्होंने क्या किया नेगेटिव लीवरेज का कभी क्वेश्चन नहीं आया हमारे पास जी इन्होंने क्या करा 0.9 कर दी ये पॉसिबल नहीं है तो क्या हम एग्जामिनर को ये सब बताएंगे कि एग्जामिनर साहब ऐसा नहीं हो सकता जी नहीं आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है आंसर लिखना है और चुपचाप मुंह बंद करके घर पे आ जाना है तभी नंबर मिलेंगे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कुछ नहीं आपको माना जाता है इंटरमीडिएट वालों को कि आपको सिर्फ क्लैरिकल नॉलेज है आईसीआई मानता है, है।, तो है कि आपको सिर्फ क्लैरिकल नॉलेज है आपको एक्सपर्ट नॉलेज देंगे हम जानते हैं कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज है और इंटरमीडिएट लेवल पर बच्चे को इतनी समझ होती है तो क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है इग्नोर कर देंगे गलती एग्जामिनर को माफ कर देंगे ओके थर्टीन थर्टीन आपके पास आ गया ये तो लड्डू क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है इसमें आपसे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और जी हमारे पास बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ गया फिर से बैलेंस शीट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बिल्कुल कॉपी पेस्ट फिर आ गया जी चेंज वाला क्वेश्चन अब अच्छा अब दोबारा से क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने चेंज इन सेल चेंज इन ई चेंज इन ईपीएस अब तो एग्जामिनर ने गलती पकड़ ली होगी ना बच्चों अपनी कि वन से कम लीवरेज नहीं हो सकती भाई साहब बिल्कुल खुश ना हो एग्जामिनर कॉपी पेस्ट मारता है क्वेश्चन ये देखिए फिर से वही फिर से वही कार्यक्रम यानी फिर से नेगेटिव लीवरेज दे दी मतलब वन से कम दे दी अरे भाई एग्जामिनर हमारे बच्चे पेपर बना देंगे इससे बेटर तो तो गलती है लेकिन इग्नोर करना है कोई बात नहीं जी पीवाई क्यू सिक्स सेम वही आ गया फाइनेंशियल लीवरेज और ईपीएस और एसेट टर्न ओवर इतना है और ईबीटी इतना तो कितने के जीरो होगा यही सेम क्वेश्चन पीवाई क्यू पहले भी आया था इसका पीवाई क्यू का नंबर था पीवाई क्यू टू या थ्री था जी पी वाई क्यू थ्री तो आप एक चीज देखिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड मैं आपको बता दूं जो मैंने बी क्यू करवाए हैं ना उतने ही क्वेश्चन है सिर्फ बस घूम घूम कर वही आते रहते हैं सिंपल क्वेश्चन है ईबीआईटी e सेल फिक्स्ड एसेट्स ये सब मांग रहा है आ, होमवर्क लड्डू क्वेश्चन ओके लड्डू बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन सब कुछ वही मिलेगा इनकम स्टेटमेंट बना ओ एल एफ एल कंबाइंड लीवरेज बता दो ओके ट्वेंटी लड्डू सेल बता दी वेरिएबल कॉस्ट बता दी फिक्स्ड कॉस्ट बता दी इक्विटी बता दिया डेट बता दिया सब बता दिया ट्वेंटी वन एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें दो लेवल पर यूनिट थी हमारे पास थी वन लैख और वन ट्वेंटी इन्होंने कर दी टू लैख और टू फोर्टी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये ये देखेगा ये क्वेश्चन किया था हमने बी क्यू फाइव हमारे पास थी वन लैख यूनिट और वन ट्वेंटी दोनों का इनकम स्टेटमेंट बनाना दोनों पर लीवरेज निकालनी ये चीज यहां पर चल रही थी तो सेम क्वेश्चन डबल फिगर करके एग्जाम में पूछ लिया गया इसके अंदर आपको क्या दिया गया वन लेख की जगह टू लेख वन ट्वेंटी की जगह टू फोर्टी होमवर्क आप मेंशन कर सकते हैं बीक्यू का नंबर भी इस पर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन अरे भाई बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है बच्चों सबसे ज्यादा यही आया है अभी नवंबर नाइनटीन में देखो जरा कितने नंबर में दे दिया ये दस नंबर में लेकिन दस नंबर में दिया है तो फुल फ्लैश दिया है यानी ओ पूछा एफ पूछा कंबाइंड लीवरेज और फिर पूछा ईबीआईटी e कितना होगा ईपीएस e वन हो टू हो जीरो तो सेम क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट जो आपको करवाया था और ये लीवरेज का कार्यक्रम समाप्त आपको लग सकता है सर क्वेश्चन तो बड़े ज्यादा दे दिए बच्चों सेम क्वेश्चन है आपको बता रहा हूं मुश्किल से डेढ़ घंटा लगेगा सारे क्वेश्चन में और सारे क्वेश्चन लिख के करने आपको क्वेश्चन में हम कोई भी कमजोरी नहीं छोड़ेंगे अपने पास जितनी प्रैक्टिस होगी नंबर उतने आपके श्योर हो जाएंगे तो मेहनत करनी है पूरी सारे क्वेश्चन करके ही आप लोग कल को अपना मुंह दिखाएं मेरे को और मेरे को पता चल जाता है तुम लोग होमवर्क करके आ रहे हो या नहीं दूसरी चीज आप लोग को ध्यान से क्या करना है जैसे अब ये बैलेंस शीट बैलेंस शीट वाले देखो इतने सारे क्वेश्चन हो गए तो आप क्या करेंगे आप अपने रजिस्टर में जहां भी आपका चैप्टर जैसे खत्म होता है जैसे यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो यहां पर ना यहां पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर और यहां पर लिख लेंगे रिवीजन वन रिवीजन टू रिवीजन टू टू फाइव कर देता हूँ रिवीजन लास्ट ठीक है अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर वन बी क्यू फिर बी क्यू टू बी क्यू थ्री ऐसे सारे नंबर लिख लेंगे आप ठीक है ये बन गया हमारे पास जी ऐसे यहां पर लिखेंगे स्पेशल पॉइंट इस क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट स्पेशल लगा हो तो तो वन में जैसे आपको कोई स्पेशल पॉइंट नहीं लगा तो ब्लैंक छोड़ दिए बीक्यू लगा आपको बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है और खूब पूछा गया है एग्जाम में तो ऐसे मेंशन कर दो कोई एरर आपसे हो रही है वो मेंशन कर दो ऐसे लिख दो फिर जैसे थ्री फोर फाइव अब इसमें बताता हूँ रिविजन वन में सारे करने हैं जब आपकी पूरा एफ एमो का फास्ट ट्रैक हो जाएगा एक बार सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर से देखने हैं जब आप देखेंगे उसी टाइम पे आप ये डिसाइड करेंगे कि सेकंड टू फिफ्थ रिवीजन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने कर पाए उसमें कौन सा करेंगे तो मुझे लगता है ये वी क्यू वन अच्छा नहीं है वी क्यू टू ठीक है थ्री और फोर ठीक नहीं है फिफ्थ ठीक है ओके ऐसे आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे पी वाई क्यू भी आ जाएंगे सारे पी वाई क्यू वन ऐसे ट्वेंटी टू तक पूरी लिस्ट आ जाएगी अब इसमें आप क्या करेंगे ये तो सारे आएंगे टक 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 इसमें आपके कुछ कुछ सेलेक्टेड सेलेक्टेड बीच बीच में आते रहेंगे ठीक है इसके बाद में आप जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो आप ये डिसाइड करेंगे कि एग्जाम से यह लास्ट रिवीजन है कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आप कैसे रिवीजन कौन सा क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो पहला लेना चाहते हैं नहीं दूसरा लेना चाहते हैं यस तीसरा चौथा नहीं करना क्या इसे लेना चाहते हैं पांचवी को नहीं जी हमें यह भी पसंद नहीं यानी एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन के लिए ये क्वेश्चन भी अच्छा नहीं है ओके जी हमारा हाथ सेट हो गया अच्छा ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है तो ऐसे एग्जाम से एक दिन पहले के लिए आपके पास हर चैप्टर से चार पांच क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे बस एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन करे कंसेप्ट पढ़ा एग्जाम में गए और आप पास एग्जामेशन पक्की ओके जी आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हिस्सा है एक मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स ओके जी सबको टाटा बाय बाय